रूप से। तो उसमें 63 पे लिखा है, तो व्यवहारात्मक जनवाद का पेज 63, जहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सार्थकता का पहला मुद्दा यही है कि मानव कुल में युद्ध मुक्ति हो। पुनश्च प्रश्न चिन्ह होता है कि युद्ध मुक्ति का आधार स्रोत क्या है, ये प्रश्न बनता है ना। युद्ध मुक्ति हो ऐसी तो सभी की चाहना है, लेकिन युद्ध मुक्ति कैसे हो? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि व्यक्तिवाद समुदायवाद से मुक्ति मिलती है तो युद्ध मुक्ति हो सकती है, यदि व्यक्तिवाद समुदायवाद से मुक्ति नहीं है तो युद्ध मुक्ति संभव नहीं है। तो इसको उन्होंने फिर डिस्कस किया और फिर ये बताया कि मानव जो है उनकी शरीर रचना भले वो किसी भी आकार रंग रूप की हो, लेकिन वो सब बंती सप्त धातुओं से ही हैं। तो इस आधार पे हम लोग एक नस्ल को पहचान सकते हैं, मानव जाति एक के रूप में पहचाना जा सकता है। तो इसलिए पहला जो मुद्दा था कि युद्ध से मुक्ति हो, इसका उत्तर उन्होंने दिया विकल्पात्मक रूप से कि युद्ध से मुक्ति तभी संभव है जब मानव जाति समुदाय चेतना या व्यक्तिवादी चेतना से, व्यक्तिवाद समुदायवाद से मुक्त हो जाती। फिर अगले पेज पे 64 पे दूसरा मुद्दा है समानता का। तो मानव के हर रंग रूप संबंध में समानता जो है वो दूसरा मुद्दा है। तो हर मुद्दे में अपने को बनाए रखने के लिए, हर मानव अपने पहचान को बनाए रखने के लिए बाल्यकाल से ही प्रयत्नशील रहता है, ऐसा हम। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक समय के बाद पोषण संरक्षण क्रम में न्याय की अपेक्षा प्रस्फुटित होती है। तो न्याय के आधार पे, यानी पोषण संरक्षण और न्याय के आधार पे यदि हम देखते हैं तो समानता का दूसरा मुद्दा जो है वो पहचानने में आ सकता है। हर मानव अपने पहचान को बनाए रखने के लिए बाल्यकाल से ही प्रयत्नशील है, पहचान प्रस्तुत करने की प्रवृत्तियां जो है भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत आकलित हुई हैं, परिस्थितियां भिन्न भिन्न रहते हुए प्रवृत्तियों में समानता होती ही है। इसी के साथ बाल्यावस्था किशोरावस्था में संरक्षण पोषण में भरोसा रहने की प्रवृत्ति रहती है, संरक्षण पोषण के क्रम में न्याय की अपेक्षा प्रस्फुटित होती हुई देखने को मिलती है, किशोरावस्था तक सही कार्य व्यवहार करने की इच्छाएं आज्ञा पालन अनुसरण सहयोग अनुकरण के रूप में प्रवृत्तियों को देखा जाता है। यह बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है, यह जन चर्चा का विषय है। संवाद के लिए इन दोनों मुद्दों अच्छे ढंग से परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण करके व्यवहार विधि से विचार को संबद्ध करने करने में काफी उपकारी हो सकता है। फिर तीसरा मुद्दा जो है, तीसरा मुद्दा देखने को मिलता है कि हर मानव संतान शिशु काल से ही जब बोलना प्रारंभ करता है, बोलना जानता है, तब से वो जो जो भी देखा सुना रहता है उसी को बोलने का अभ्यास, इसी को कह रहे हैं कि ये सत्य वक्ता है, जो भी उसने देखा सुना है उसको वो रिपीट करता है। इसी को बाबा जी कह रहे हैं कि वो सत्य का वक्ता होना आकलित होता है, जबकि उसमें सत्य बोध नहीं होता है। तो शब्दों को बोलना ही बनता है, इससे पता लगता है कि मानव परंपरा का दायित्व है कि मानव संतान को बोध कराए। इसी के साथ सही कार्य व्यवहार का प्रयोजन बोध सहित पारंगत बनाने की आवश्यकता है। न्याय बोध हर संतान को कराने का दायित्व परंपरा के पक्ष में जाता है। इस ढंग से बच्चों के लिए प्रेरक साहित्य कविताओं की रचना के लिए तीनों सार्थक प्रवृत्ति है। मानव में प्रवृत्तियां प्रयोग परीक्षण बहु आयामों में होना देखा गया है, ये सब जन चर्चा के बिंदु हैं।
तो ये तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से फिर उन्होंने ध्यानाकर्षण किया, फिर मानवाकांक्षा की थोड़ी सी बात हुई, फिर व्यवहार कार्य में, उत्पादन क्रियाकलाप में, अनेकानेक विधाओं में जन संवाद के लिए विषय निकलते ही हैं, जैसे धरती, हवा, पानी, जंगल, पहाड़, वन, वनस्पति, औषधियों के साथ परस्पर सह अस्तित्व का होना, है ना, इन सबके साथ। इसके अलावा भी सूरज, चांद, सौर व्यूह, आकाश गंगाओं के साथ मानव का अस्तित्व है ही, यह सब विधाओं में मानव संवाद करके लक्ष्य के अर्थ में हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम मानव की परस्परता में मानव कुल अनेक रंग नस्ल के रूप में पहचाना जाता है, ऐसी परस्परताएं जीव संसार रूपी अस्तित्व में देखने को मिलती हैं। परस्परताएं सह अस्तित्व सहज हैं, सह अस्तित्व में हम परस्परता को पाते हैं। इसी क्रम में मानव में से के लिए अखंड समाज में परस्परताएं उपलब्ध हैं ही। इन परस्परताओं को संबंध के रूप में पहचाना जाता है। इसमें सबसे विशाल जो संबंध है वो मित्र संबंध है। फिर कहा कि तर्क जो है वो संवाद की पृष्ठभूमि बनाता है। मित्र भाई संबंधों में हर विधाओं में समाधान को पहचानना महत्वपूर्ण कार्य है। समाधान के अर्थ में संवाद का होना स्वाभाविक है। इस तरीके से बात की, फिर आगे जाके कहा कि सार्थकता के लिए व्यवहार एक मुद्दा है। व्यवहार में संबंधों को पहचानना होता है। इन संबंधों को पहचानने के रूप में कम से कम विश्वास मूल्य प्रमाणित होना एक स्वाभाविक उपलब्धि है। विश्वास होने के आधार पर आरंभ होते हुए प्रयोजनों को, लक्ष्यों को, प्रक्रियाओं को पहचानने के अर्थ में हर संवाद सार्थक होता है। फिर मानव संबंधों में कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह सार्थक होते हैं। ये सब अभ्युदय के अर्थ में ही प्रयोजनशील होना पाया जाता है। अभ्युदय स्वयं में सर्वतोमुखी समाधान है। मानव ही इसका धारक वाहक है। संबंधों में ही इसका प्रमाण होना शाश्वत सत्य है। इसी आधार पर मानव परिवार से अखंड समाज तक समाधान सूत्र को फैला पाते हैं। यही व्यवहारात्मक जनवाद का प्राण तत्व है। इसके बाद फिर ये कहा कि हर व्यक्ति व्यवहार प्रवृत्ति में रहता है, क्योंकि किसी न किसी मानव के साथ उसको जीना है। मानव में होने वाले कुछ भी क्रियाकलापों के अनंतर या मानवीय प्रकृति के साथ किया गया अभी के कार्यकलाप के अनंतर जीने का पहचान मानव के साथ सार्थक होता है। जीव जानवरों के साथ हम कितना भी प्यार करें, नाराजगी करें, मनमानी करें, है ना, कर लें, मानव के साथ ही हमें जीना होता है। अंततो गत्वा मानव के साथ जागृति पूर्वक नियम मर्यादा सम्मानों के साथ ही अपनी पहचान बना लेता है। इसी विधि से दूसरे की पहचान कर लेता है। इसी से जीने का विश्वास होना पाया जाता है। जागृत मानव अपने प्रतिभा और व्यक्तित्व की पहचान बनाने में तत्काल समर्थ होता है। उसे कठिनाई तभी आती है भ्रमित आदमी के साथ, जब भ्रमित आदमी या जागृत आदमी के साथ भ्रमित आदमी जीता है। इस विधि में निष्कर्ष यही निकलता है कि जागृत आदमी के साथ एक या अनेक भ्रमित आदमी जीने की स्थिति में जिम्मेदारी जागृत आदमी की ही है कि भ्रमित आदमी को जागृति पथ के लिए, जागृति के लिए प्रेरित करे। मूलतः एक पक्ष का जागृत रहना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जागृति हमारे संवाद का मुद्दा बनता है। जागृति का तात्पर्य है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इसमें से पहचानने, निर्वाह करने का क्रियाकलाप है। यह पत्थर, मिट्टी, पाषाण अभी सभी अपनी सजाती विजाती पहचान बनाने में समर्थ होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही जाति के परमाणु, अणु या अणुरचित पिंडों के रूप में सजाती विजाती विधि से अनेकानेक पिंडों के रूप में हमें धरती देखने को मिलती है। यह पहचानने, निर्वाह करने के रूप में आकलित हो चुका है। यह परिणामों के आधार पर ही हम पहचानना, निर्वाह करना करता हुआ देखने को मिलता है। अन्य वनस्पति, हरियाली, अपने बीज वृक्ष न्याय से पहचानने, निर्वाह करने के कार्यक्रम को भले प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जैसे नीम के बीज से नीम का वृक्ष होता है, आम के बीज से आम का वृक्ष होना विश्वसनीय है। यह सब संवाद, चर्चा, परिचर्चा का मुद्दा है। हम संवाद में क्यों, कैसे का उत्तर लक्ष्य और दिशा के सार्थकता में परिगणित होना पाया जाता है। यदि चर्चा लक्ष्य और दिशा के अर्थ में होती है तब उसमें सार्थकता है ना। तो हर प्रजाति की वनस्पति
हर प्रजाति की वनस्पति संसार बीजानुसंगी विधि से पहचान निर्वाह करने का प्रमाण विविध रचना के रूप में प्रस्तुत हो चुकी है। इस धरती पर धूप घास से लेकर गगनचुंबी वृक्षों तक, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो रचनाएं हैं, उन सब में एक कोसी बहु कोसी रचनाएं बीजानुसंगी विधि से सार्थक हो चुके हैं। ये सभी रचनाएं एक दूसरे के साथ सर्वाधिक संख्या में पूरक होना पाया जाता है। मृदा, पाषाण, मणि, धातु, रसायन संसार के लिए पूरक होना ही संवाद का एक अच्छा मुद्दा है। पूरकता का तात्पर्य है कि एक स्थिति से दूसरे उन्नत स्थिति के लिए पूर्व स्थिति का होना आवश्यक है। जैसे वनस्पति संसार के लिए पदार्थ संसार का होना। भैया पेज नंबर थोड़ा जैसे बता सकते हैं? पेज नंबर 70 है पुरानी किताब में, नई किताब में, नई फोर्टी किताब में वन 41 41। ठीक है, ठीक। 41 में मानव व्यवहार और पूरकता है, उससे पहले वाला पैराग्राफ में पढ़ रहा। तो पूरकता का तात्पर्य है एक स्थिति से उन्नत स्थिति के लिए पूर्व स्थिति का होना। जैसे जीव संसार के लिए वनस्पति का होना, मानव के लिए जीव संसार का होना, इसी को पूरकता कह रहे हैं। तो रसायन संसार में रसायन द्रव्य अनेक प्रकार से अपने वैभव को विस्तार करते हुए उत्सवित रहना देखने को मिलता है। इसका सत्य यही है कि बहुत छोटे से बड़े आकार तक की रचनाएं रचित हो गई हैं। बड़े बड़े वृक्षों के रूप में, छोटे छोटे पेड़ों के रूप में, वनस्पतियों की रचनाएं सर्व मानव के लिए द्रष्टव्य हैं। ये जल थल दोनों स्थलियों में स्थितियों में इस पृथ्वी पर स्पष्ट हुआ है। इन तथ्यों पर संवाद को विविध रूप में संपन्न किया जाना आगे पीढ़ी को बोधगम्य कराना संवाद का सार्थकता है। तो क्या हुआ, लक्ष्य और दिशा एक मुद्दा हुआ, पूरकता दूसरा मुद्दा हुआ, तीसरा उसमें जो अनुसंगीयता है उसके अर्थ में संवाद को करना, इसी को कह रहे हैं कि नियम मर्यादाओं के साथ संवाद को करना, संवादों सम्मान के साथ करना, जानना पहचानना मानना, जानना मानना पहचानना निर्वाह करने के अर्थ में संवाद को करना। तो इससे जो है संवाद का दिशा बदल सकता है। जो संघर्षात्मक जो जनवाद है उसकी जगह व्यवहारात्मक जनवाद को जो है स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें ये तीन मुद्दों के अलावा उन्होंने व्यवहार के मुद्दे को और स्पष्ट किया है। और इसके अलावा जो प्रकृति में व्यवस्था है और जो विकास क्रम है उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो दिशा है, उसमें जो अनुसंगीयता है, उसमें एक निश्चित आचरण है ना, और पूरकता है, उपयोगिता है, इन सब मुद्दों के आधार पे सार्थक संवाद जो है हो सकता है। उसी के साथ लक्ष्य और सार्थकता को स्पष्ट कर लेना ही संवाद का प्रधान प्रयोजन है। यहाँ तक हमने पिछले दिनों पढ़ लिया था। आज इससे आगे पढ़ेंगे, परंतु यदि इससे पहले के किसी मुद्दे पे चर्चा करना है तो की जा सकती है। मुझे लगता है कि सब कुछ स्पष्ट है, बहुत स्पष्टता के साथ इसमें कहा गया है। लेकिन यदि किसी को चर्चा करना हो, कोई मुद्दा हो, तो कर बात की जा सकती है। मुझे लगता नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। सुनील भाई आगे बढ़े हैं के क्या? संदीप भाई, सुनील भाई, भास्कर हाँ भाई, भैया, हाँ अच्छा भैया, आगे बढ़ा जाए। तो पेज नंबर 71 पे मानव व्यवहार और पूरकता है ना, ये टाइटल है। और शायद उसमें 42 है या 41 है नई किताब में। 71 41 है भैया, 41 लास्ट 41 चैप्टर। है ना, और पुरानी किताब में 71 है।
तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मानव व्यवहार और पूरकता। हेलो जी, हेलो जी जी बोलिए भैया। परिगणित का मीनिंग क्या है, है? परिगणित मतलब मेजर में, परिगणित का मीनिंग क्या है? परिगणित का मतलब है हमारी गणना में आना, पहचानने में आना है। अच्छा जी, मेजर जी, मेजरमेंट जी, जिसको बोलते हैं ना, मेजरमेंट, उसका हिंदी अनुवाद है परिगणित, गणना में आना। ठीक है ना दीदी? स्पष्ट है ना मीनिंग आपको? हेलो, लक्ष्य और दिशा के सार्थकता में परिगणित होना पाया जाता है, मतलब उसको आकलन करना, उसका मेजर करना, इस अर्थ में उपयोग हुआ। जन चर्चा के मुद्दे में पूरकता एक मुद्दा है, तो पूरकता यहाँ पर भी पिछले पैराग्राफ में भी पूरकता की बात चल रही थी, है ना, जहाँ पर ये लिखा कि सभी रचनाएं एक दूसरे के साथ सर्वाधिक संख्या में पूरक होना पाया जाता है। और हम लोग ये देख ही रहे हैं कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में परस्पर पूरकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जन चर्चा के मुद्दे में पूरकता एक मुद्दा है। पूरकता के आधार पर जन चर्चा द्वारा, संवाद द्वारा, स्पष्टीकरण द्वारा समाधान के छोर तक पहुंचते हैं। तो यदि पूरकता को पकड़े रहते हैं तो हम समाधान के छोर तक पहुंच सकते हैं, चर्चा में, संवाद में, स्पष्टीकरण में आदि में। कह रहे हैं समाधान मानव परंपरा के लिए स्वीकृत आवश्यक प्रधान आवश्यकता अथवा परम आवश्यकता है। और बाबा जी कह रहे हैं कि जो समाधान है वो मानव जाति के लिए, मानव परंपरा के लिए स्वीकृत आवश्यकता है, प्रधान आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। ऐसा ही समाधान अपने में क्यों कैसे का उत्तर है। तो समाधान की एक परिभाषा दी कि समाधान यानि अपने में क्यों और कैसे, अस्तित्व में कोई भी घटना है, कोई भी क्रिया है, वो क्यों है और कैसे है, इसका सहज उत्तर है। हर मुद्दे के साथ क्यों, कैसे, कितना का प्रश्न होता ही है। जितने भी क्यों की बात आती है या प्रश्न उठता है, उसका उत्तर का आधार मूल कारण ही होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब भी किसी क्रिया में, घटना में, है ना, हम क्यों लगाते हैं तो उसके मूल कारण, तो उसके उत्तर का आधार मूल कारण ही, तो मूल जो कारण है वहीं से उसका उत्तर निकलता है। कैसे का उत्तर हम पाने के लिए दौड़ते हैं तो प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति के सूत्र के आधार पर प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं। तो कोई भी क्रिया क्यों होती है, कोई घटना कैसे होती है, यदि इसको समझने जाते हैं तो कह रहे हैं कि उससे प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति के सूत्रों के आधार पर प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं। कितना का उत्तर फल, परिणाम और आवश्यकता की तृप्ति के अर्थ में होता है। तो क्या का उत्तर, पहले तो उन्होंने बताया क्यों का उत्तर, कितने भी क्यों की बात आती है या प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर मूल आधार, मूल कारण ही होता है, उसका आधार मूल कारण होता है। जैसे परमाणु में ऊर्जा संपन्नता क्या है, क्रियाशीलता क्या है, उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म क्या है, तो उसमें मूल कारण पे जाने से उसका क्यों का उत्तर आता है। कैसे का उत्तर का मतलब है कि विकास कैसे होता है, गठन पूर्णता कैसे होती है, क्रिया पूर्णता कैसे होती है, आचरण पूर्णता कैसे होती है, तब उसमें प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति आदि की बात आती है। और कितना का मतलब है कि कितना का उत्तर फल, परिणाम और आवश्यकता की तृप्ति के अर्थ में स्पष्ट होता है। इसकी
इसकी स्पष्ट चर्चा करने के योग्य इकाई केवल मानव ही है, यानी क्यों कैसे और कितना को जो समझने या चर्चा करने के लिए योग्य इकाई मानव ही है। मानव के साथ व्यवहार जुड़ता ही है, तो मानव केवल चर्चा करता ऐसा नहीं है, मानव के साथ व्यवहार जुड़ा ही रहता है। व्यवहार सदा सदा से मानव के साथ ध्रुवीकृत होता आया है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। मानव अपनी परस्परता में व्यवहार करना सर्वस्वीकृत हो चुका है। मानव परंपरा में व्यवहार परस्परता में मूल्यों का निर्वाह करने के आधार पर प्रमाणित होता है। वो कह रहे हैं कि मानव परंपरा में जो व्यवहार है वो मानव की परस्परता में मूल्य निर्वाह के आधार पर प्रमाणित होता है। मूल्यों का निर्वाह संबंधों के आधार पर सर्व मानव को स्वीकृत है। मानव मानव के साथ संबंधों को पहचानने की प्रवृत्ति शिशुकाल से ही निर्धारित है, यह शब्दों के रूप में सबको स्पष्ट है। मूल्यों के रूप में पहचान और उसकी निरंतरता की आवश्यकता है। संबंध उसकी पहचान और निरंतरता ही विश्वास है। तो इसमें विश्वास को उन्होंने डिफाइन किया है कि संबंध और उसकी पहचान और उसकी निरंतरता ही विश्वास है। इस परिभाषा के आधार पर सभी संबंधों के साथ संवाद अपेक्षित है। हर संवाद की सार्थकता में समाधान है। संवाद की सार्थकता क्यों कैसे कितना का उत्तर पाना है, क्यों कैसे कितना का उत्तर पाना ही संवाद की सार्थकता है। तो पहले आवश्यकता की तृप्ति का क्या मतलब है? आवश्यकता की तृप्ति के अर्थ में स्पष्ट हो जाता है, तो आवश्यकता हमारी समाधान है ना, उसका तृप्ति समाधान उपलब्ध हो जाना, तो फल परिणाम से मतलब हमें समाधान मिलेगा। फल परिणाम समाधान के रूप में मिलेगा क्या, ये कहने का मतलब है? कितना का उत्तर, यानी कितना का उत्तर फल पर फल परिणाम और आवश्यकता की तृप्ति से। जैसे मानव को भौतिक आवश्यकताएं कितनी चाहिए, अच्छा है ना, आवश्यकता का तृप्ति, यानी आदमी जो विचार करता है वो कहाँ तक विचार करे, कितना विचार करेगा, समाधान तक। मानव कितना व्यवहार करेगा, तो न्याय की निरंतरता तक, है ना। तो मानव कितना उत्पादन करेगा, तो समृद्धि तक। तो इस तरीके से आवश्यकता की तृप्ति के अर्थ में स्पष्ट होता है, अच्छा है ना। हेलो, हाँ जी, मतलब यहाँ विचार व्यवहार और व्यवसाय तीनों की जो है तृप्ति को आवश्यकता के रूप में बताया है, तीनों कितना की को जो है अपन हाँ। जो है ना, ये प्रश्न क्या है कि कितना का उत्तर फल हाँ। परिणाम और आवश्यकता की तृप्ति के अर्थ में स्पष्ट होता है हाँ। तो अभी आवश्यकता को देखेंगे तो विचार व्यवहार और कार्य ही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। उस अर्थ में ठीक तो बात है, विचार रूपी जो हाँ। बिल्कुल सही बोलिए, विचारों में समाधान, व्यवहार में न्यायपूर्ण व्यवहार और व्यवसाय में नियम पूर्ण व्यवसाय, मतलब समृद्धि तक, इस रूप में आप कह रहे हैं। जी जी ठीक बात है भैया, बढ़िया। भैया जी, प्रक्रिया प्रणाली और पद्धति के सूत्रों के आधार पर प्रक्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं, तो ये तीनों शब्द जो है प्रक्रिया प्रणाली और पद्धति, हाँ। इसमें क्या बारीक अंतर है? वो जैसे प्रक्रियाएं तीन प्रकार की हैं मूल रूप से, न्याय प्रक्रिया, धर्म प्रक्रिया और सत्य प्रक्रिया, ऐसा बोला है। फिर इसके बाद न्याय प्रक्रिया, सत्य प्रक्रिया और धर्म प्रक्रिया जो है वो प्रणालियों से संबंध होती है, जैसे शिक्षा प्रणाली है ना, न्याय प्रणाली आदि से। और पद्धति का मतलब होता है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में, है ना, जो आपस में ये जो गति है वो पद्धति है। जैसे परिवार से परिवार समूह, परिवार समूह से ग्राम, ग्राम से, ये पद्धति, इसको पद्धति कह रहे हैं।
तो इस रूप में जो है ना इसका उत्तर मिलता है। और ये पांच योजनाओं के रूप में प्रणाली है ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी है ना, शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, हाँ ये सब प्रणाली है। अच्छा ये सब प्रणालियां है। तो जैसे नियम नियम प्रक्रिया पूर्वक उत्पादन होता है, न्याय प्रक्रिया पूर्वक जो है व्यवहार होता है ना, न्याय प्रणाली जिसको कहते हैं, और सत्य प्रक्रिया पूर्वक व्यवस्था होती है, और ये व्यवस्था पद्धति पूर्वक है, यानी एक परिवार से विश्व परिवार तक ये जो अलग अलग सोपानों में है ये पद्धति है, यही कड़ी से कड़ी जो जुड़ी है उसको पद्धति कहते हैं ना। दस सोपानीय व्यवस्था है वो पद्धति का स्वरूप है। हाँ वो पद्धति का स्वरूप है। अच्छा पांच योजना है ये प्रणाली का स्वरूप है। और न्याय प्रक्रिया, धर्म प्रक्रिया और सत्य प्रक्रिया ये प्रक्रिया स्वरूप है। भैया आपने कहा था न्याय प्रक्रिया से क्या सुनिश्चित होता है? न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली से। और धर्म प्रक्रिया से? धर्म प्रक्रिया से सर्वतोमुखी समाधान। एक मिनट वो कुछ बोल रहे हैं अजीत सिंह जी, एक मिनट जी बोलिए। ये पेज नंबर 132 है ना? हाँ अध्याय पांच के लास्ट का पैराग्राफ से। हाँ इसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है पद्धति का तात्पर्य। हाँ तो इसमें पद्धति जो है, पद्धति प्रणाली और नीति तो इसमें रेफर करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने जो इसका लगाया है मीनिंग, अजय इसमें प्रणाली को लिखा है उन्होंने, प्रणाली का तात्पर्य सोपानीय कार्यक्रमों को पहचानना, जिसको अपन पांच व्यवस्था, दस सोपान और पांच योजनाएं जो है। हाँ उसको प्रणाली बोल रहे हैं, और जो भी साधन है महत्वाकांक्षा के और सामान्य कांक्षा के, यानी कि सम्मान धन जो है इसको पद्धति बोलते हैं, और प्रणाली धन पद्धति इसको प्रक्रिया बोल रहे हैं। एक मिनट कहाँ पर लिखा हुआ है ये, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, आप जो कह रहे हैं तो सभी को पता लग जाएगा है ना। इसमें लिखा है 132 में, नीति का तात्पर्य नियति विधि से, अर्थात नियति क्रम, नियति लक्ष्य के संतुलित कार्यकलाप से है। ठीक है ये नीति का तात्पर्य है ना, नीति का तात्पर्य नियति विधि से है, अर्थात नई बुक नहीं पुरानी बुक में 132 पेज है, अध्याय अध्याय पांच का अंतिम दूसरा पैराग्राफ है, लास्ट का जो तीसरा पैराग्राफ है वहां पर, अध्याय पांच जहां खत्म हो रहा है उसमें नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, इसमें लिखा है नीति का तात्पर्य नियति विधि से है, अर्थात नियति क्रम नियति लक्ष्य के संतुलित कार्यकलाप से है। फिर प्रणाली का तात्पर्य सोपानी कार्यक्रमों को पहचानना, निर्वाह करना, और दूसरी विधि से कड़ी जुड़ी हुई है, तीसरी विधि से लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया संपूर्ण क्रियाकलाप, मुख्य मुद्दा लक्ष्य प्रमाणित होने से है। इसको उन्होंने कहा प्रणाली, प्रणाली का मतलब है कि जो दस सोपानी में जो कार्यक्रम है जिसको हम लोग शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा आदि कह रहे हैं उसको कह रहे हैं प्रणाली। पद्धति का तात्पर्य किसी भी लक्ष्य के लिए जितने भी उपकरण साधन होते हैं उन सबको सार्थकता के लिए सजा देने से है, जैसे मानव में निपुणता कुशलता पांडित्य है उसे पाना लक्ष्य है, इसके लिए मन तो तत्पर होना आवश्यक है, शरीर भी संजोए रहना उतना ही आवश्यक है, यह संतुलित रहना पद्धति है। इस प्रकार घर बनाना, उसके लिए मट्टी पत्थर जो कुछ भी द्रव्य हैं उनको विधिवत सजा देने से घर बनता है, इसमें गलती होने से घर गिरता है। अस्तु इस लक्ष्य के लिए जितने भी साधन होते हैं उसको सार्थकता के अर्थ में सजाना इस विधि से स्पष्ट होता है, हर लक्ष्य को पाने के क्रम में पद्धति प्रणाली नीति की आवश्यकता है। ठीक है
इसमें प्रक्रिया शब्द नहीं आया ना, प्रक्रिया हाँ भैया, भैया ये उनका क्या से पद्धति के लिए मानव चाहिए, खाली मानव का मतलब शरीर और ये शरीर भी स्वस्थ रहे मन भी मतलब लगा, नहीं नहीं प्रक्रिया का मतलब जो हम लोगों ने जो समझा था अभी, हाँ। प्रक्रिया का मतलब वही है कि जैसे परिवार है तो परिवार को बनाने के लिए जितना चाहिए वो एक स्टेप हो गया है ना, अब अगला परिवार समूह सभा है उसी को उन्होंने घर बनाने के उससे जो है समझाने का प्रयास किया है। अच्छा। कि घर बनाना उसके लिए मट्टी पत्थर जो कुछ भी द्रव्य है उनको विधिवत सजा देना है ना, वो घर बनना है, इसमें गलती होती है तो घर गिरता है ना, अस्तु। हर लक्ष्य के लिए तो लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहस्त, तो इस समाधान समृद्धि अभय सहस्त को पाने के लिए पद्धति क्या है, तो परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र, इस रूप में पद्धति। तो यदि ये इस अर्थ में ये आगे बढ़ता है तो लक्ष्य प्राप्त होता है ना, नहीं तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए पद्धति की आवश्यकता है। प्रणाली का मतलब है कि जो इसमें लिखा है कि 10 सोपानी कार्यक्रमों को पहचानना, तो एक तो 10 सोपानी कार्यक्रम क्या है, तो कार्यक्रम है शिक्षा संस्कार है ना, न्याय न्याय सुरक्षा उत्पादन कार विनिमय कार और स्वास्थ्य सही, ये जो है 10 सोपानी कार्यक्रम है। इनमें जो निर्वाह करना दूसरी विधि से कड़ी जुड़ी हुई है, यानी ये जितने भी कार्यक्रम हैं आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंध में हैं, ये इसको प्रणाली कह रहे हैं। दूसरी विधि यहाँ कौन सी हुई हैं, दूसरी विधि कौन सी हुई, पहला विधि तो यही है प्रणाली का 10 सोपानी कार्यक्रमों को पहचान, दूसरी विधि क्या निर्वाह करना, दूसरी विधि से कड़ी जुड़ी हुई है, पहले पांच कार्यक्रम, अच्छा पहले पांच कार्यक्रमों का पहचान है, अच्छा, और अच्छा। फिर इनमें जो आपस में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तीसरी विधि है लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया संपूर्ण क्रियाकलाप है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया क्रियाकलाप क्या है, अध्ययन प्रयोग अभ्यास जो भी कार्य है, जो कर्माभ्यास है, अध्ययन है, व्यवहाराभ्यास है आदि आदि, उस रूप में है ना। जैसे पद्धति का तात्पर्य हो गया कि कड़ी से कड़ी जो है जिसको जितने भी उपकरण साधन होते हैं लक्ष्य के लिए, उपकरण साधन होते हैं, इन सबको सार्थकता के सजा देने से, सार्थकता के अर्थ में सजा देने से मानव निपुणता पांडित्य कुशलता, हाँ मैं इसे तो, पाना लक्ष्य, तो पांडित्य अगर हमारा सत्य बन जाए ये हमारा लक्ष्य हो गया है ना। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी उपकरण साधन हमें लगते हैं, हाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब इसको और देखना पड़ेगा ये पीछे से, हाँ। जाके है ना, हाँ देखना पड़ेगा, लेकिन पदानुसार कर्तव्य, लेकिन मैंने एक जगह इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा हुआ था उसी के आधार पे मैं बता रहा था, तो बाबा जी ने जो है ना तीन प्रकार की प्रक्रियाएं बोली हैं, न्याय प्रक्रिया, धर्म प्रक्रिया और सत्य प्रक्रिया, और एक जगह नियम प्रक्रिया भी जो है वो शब्द का उपयोग होता है, जैसे उत्पादन में नियम प्रक्रिया है, व्यवहार में न्याय प्रक्रिया है, सर्वतोमुखी समाधान में या शिक्षा संस्कार में जो है वो धर्म प्रक्रिया है, और सत्य प्रक्रिया का मतलब व्यवस्था के अर्थ में सत्य प्रक्रिया है, यानी व्यवस्था की स्पष्टता सत्य प्रक्रिया, और ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो प्रणाली के साथ जुड़ती है ना, तो उन प्रणालियों में क्या है कि जितने भी प्रकार के व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं उनकी जो है स्पष्टता होना, उनमें आपस में अंतर संबंध को पहचानना, ये सब प्रणाली है, जैसे शिक्षा प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, उत्पादन प्रणाली है आदि आदि, इसको जैसे है ना, जैसे हम लोग प्रचलित भाषा में प्रणाली किसको कहते हैं, मेथडोलॉजी कहते हैं प्रणाली, मेथड क्या है मेथडोलॉजी को, नहीं वो तो अपन कहते हैं मेथडोलॉजी को विधि बोलते हैं, ये ट्रेडिशन को प्रणाली कहते हैं, जैसे प्रोसीजर बोलते हैं, वो तो प्रक्रिया हुई है ना, ट्रेडिशन को भैया प्रणाली कहते हैं,
नहीं, जैसे अपन निकास प्रणाली है ना, सीवेज प्रणाली है ना, सिस्टम सिस्टम कहेंगे क्या, सिस्टम सिस्टम, हाँ सिस्टम के रूप में हम लोग कहते कह हैं। सकते हैं। तो इसलिए व्यवस्था में प्रणाली क्या है, तो यही है जो पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, यही जो है हम लोगों ने अभी जो पेज देखा था उसमें भी कुछ ऐसे ही अर्थ आ रहा है ना। तो भैया ये कहना चाह रहे हैं क्या कि प्रक्रिया में प्रणाली पद्धति दोनों आते हैं? प्रक्रिया में प्रणाली और पद्धति दोनों ही आते हैं क्या? प्रक्रिया करना क्या बोल रहे हैं? प्रक्रिया में प्रणाली और पद्धति दोनों ही आते हैं क्या? हाँ, तीनों को मिला के यदि इसमें नीति और जुड़ जाए तो हाँ नीति प्रणाली पद्धति तीनों को मिला के प्रक्रिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्रणाली भैया परिभाषा देख लीजिए एक बार, परिभाषा संहिता। जी भैया, परिभाषा में लिखा है प्रक्रिया के प्रबुद्धता पूर्वक की गई क्रिया या हाँ आचरण सहित उत्पादन प्रक्रिया, पारंगत होने की प्रक्रिया, प्रमाणित होने के लिए प्रक्रिया। ठीक है, और प्रणाली में लिखा है भैया, कड़ी से कड़ी लक्ष्य संपन्न होने तक निश्चित प्रक्रिया की सघन अभिव्यक्ति, वो प्रणाली हो गई। हाँ प्रणाली हो गई। और पद्धति में लिखा है भैया, लक्ष्य पूर्ति के लिए निश्चित गति प्रणाली, गति सहज तरीका, पुष्टि संरक्षण प्रदाय करना मानव परंपरा मौलिक है, या पदानुसार दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन पद्धति। यही जो पदानुसार दायित्व तो कर्तव्य का निर्वहन ही पद्धति है, उसी जी को कह रहे हैं कि परिवार, परिवार समूह सभा और उससे ऊपर ग्राम और विश्व परिवार तक, है ना, सोपानीय व्यवस्था दस उपानिवास, वहां पे कर्तव्य दायित्व की निरंतरता बनी रहती है, उस अर्थ में वो पद्धति है। ठीक है, यहाँ से परिभाषा तो स्पष्ट हो गए। हाँ, लेकिन यदि आप अभ्यास दर्शन के अंतिम उसमें देखेंगे तो जी उसमें जो प्रक्रिया है उसको न्याय प्रक्रिया, धर्म प्रक्रिया, सत्य प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया, इस रूप में भी उन्होंने दिया है। कल मैं आपको रेफरेंस दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रक्रिया शब्द दो बार आया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई एका शब्द इसमें मिसिंग है, शायद वो नीति हो सकता है या विधि हो सकता है, विधि प्रक्रिया प्रणाली कुछ ऐसा शब्द होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया प्रणाली पद्धति के सूत्रों के आधार पे प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब जिस चीज की परिभाषा दी जा रही है उसका ही इस्तेमाल उस शब्द में किया गया, उसमें किया गया। हाँ ठीक है, हम लोगों को शायद थोड़ी सी स्पष्टता बढ़ी है, जी भैया, तो अभी हम आगे बढ़ें फिर अपन थोड़ा सा। जी भैया, तो इसके बाद ये तीनों प्रश्नों के उत्तर के बाद उन्होंने कहा व्यवहार जो है वो आवश्यक है, चाहे वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो, उस व्यवहार का ध्रुवीकरण होता ही है। फिर कह रहे हैं कि व्यवहार परस्परता में मूल्य निर्वाह करने के आधार पर प्रमाणित होता है और मूल्यों का निर्वाह संबंधों के आधार पर स्वीकृत है। मानव मानव के साथ संबंधों को पहचानने की प्रवृत्ति शिशुकाल से ही निर्धारित है, यह शब्दों के रूप में सबको स्पष्ट है। अभी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो लेकिन भाषा के रूप में स्पष्ट है। मूल्यों के रूप में पहचान और उसकी निरंतरता की आवश्यकता बनती है, संबंध उसकी पहचान और निरंतरता ही विश्वास है, और इस परिभाषा के आधार पर सभी संबंधों के साथ संवाद अपेक्षित है, हर संवाद की सार्थकता में समाधान है। संवाद की सार्थकता क्यों कैसे कितना का उत्तर पाने में ही है। जैसे व्यवहार निर्वाह क्यों, फिर व्यवहार निर्वाह कैसे और व्यवहार निर्वाह कितना, ऐसा उत्तर आएगा, है ना। संबंध की परिभाषा ही है पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहना,
ऐसे संबंध का स्वरूप निरंतरता में ही वैभव और प्रयोजन प्रमाणित होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे संबंध का स्वरूप निरंतरता में ही वैभव और प्रयोजन प्रमाणित होना पाया जाता है। प्रयोजन मूलतः सह अस्तित्व में नित्य प्रमाण ही है। यही जागृति वर्तमान में विश्वास यानी परस्परता में भय शंका मुक्ति। परस्परता से मतलब जो मानव संबंध हैं उनमें परस्परता में भय से मुक्ति, शंका से मुक्ति और समाधान होना स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं कि प्रयोजन मूलतः सह अस्तित्व में नित्य प्रमाण ही है। यही जागृति वर्तमान में विश्वास और समाधान होना स्वाभाविक है। इन तीनों विधाओं के आधार पर अथवा इन तीनों विधाओं में प्रमाण होने के उपरांत में समृद्धि होना एक आवश्यकता संभावना और इस हेतु प्रयास होना स्वाभाविक स्वयं स्फूर्त है। तो क्या क्या तीन बातें बताई? जागृति वर्तमान में विश्वास और समाधान। जागृति वर्तमान में विश्वास और समाधान। अरे हाँ, और समाधान तो पहला समाहित है, अभय और समाधान। ये पुरानी बुक में कौन सा पेज नंबर है? पुरानी में 72 है, नए में शायद 41 है या 42 है। 42 है। तो यहाँ पे जागृति का मतलब है पहले विचार में समाधान, जिसको अपन विचार में समाधान कह रहे हैं वो जागृति है। उसके बाद जब व्यवहार में आते हैं तो वर्तमान में विश्वास यानी संबंधों में निरंतरता को, निरंतरता के रूप में वैभव को पहचान लेना और उसको जीने में प्रमाणित कर लेना वो समाधान है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो जागृति शब्द है वही प्रमाण के अर्थ में समाधान होना स्वाभाविक है, ऐसा कह। तो इन तीनों विधाओं के आधार पर, इन तीनों विधाओं में प्रमाण होने के उपरांत समृद्धि का होना एक आवश्यकता संभावना और इस हेतु प्रयास होना स्वाभाविक स्वयं स्फूर्त है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम मानव समझदारी पूर्वक ही समाधानित होते हैं। तो यहाँ ये जो समझदारी पूर्वक लिखा है इसी का मतलब जागृति है ना। वर्तमान में विश्वास तथा संबंध की पहचान और उसकी निरंतरता बनाए रखने में निष्ठा ईमानदारी होने का प्रमाण है। पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है। तो यहाँ ऊपर जो कहा गया उसी की थोड़ी सी व्याख्या की। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम मानव समझदारी पूर्वक यानी जागृति पूर्वक समाधानित होते हैं और वर्तमान में विश्वास यानी जो ऊपर वर्तमान में परस्परता में भय और शंका मुक्ति लिखा था या वर्तमान में विश्वास लिखा है उसकी निरंतरता को, वर्तमान में विश्वास अर्थात संबंध की पहचान और उसकी निरंतरता बनाए रखने में निष्ठा ईमानदारी होने का प्रमाण। पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है। इस प्रकार समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी पूर्वक ही परिवार व्यवस्था में प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना समृद्धि का साक्ष्य स्पष्ट होना पाया जाता है। तो पहले समझदारी हो गई, इसके बाद जो है यदि हम संबंध को निरंतरता में पहचाने रहते हैं वो ईमानदारी हो गई और उसी के साथ जिम्मेदारी आती है जब हम उसका निर्वाह करते हैं। पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है, क्योंकि जब भी हम कोई संबंध पहचानते हैं तो उस संबंध के साथ कर्तव्य दायित्व निर्वाह के अर्थ में जिम्मेदारी आती है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो परिवार व्यवस्था में प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना और समृद्धि का साक्ष्य स्पष्ट होना पाया जाता है। इस तरीके से
इसके लिए परिवार में चर्चा, परिवार के कार्य व्यवहार के लिए चर्चा, संवाद, परिवार लक्ष्य के लिए संवाद, मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा है। यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने परिवार सभा, जो परिवार सभा में क्या चर्चा होगी उसको स्पष्ट कर दिया है। तो कह रहे हैं इसके लिए परिवार में चर्चा, परिवार के कार्य व्यवहार के लिए चर्चा, संवाद और परिवार के लक्ष्य के लिए संवाद, मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा है। यानी परिवार, हाँ जी, ये ईमानदारी में भी तो यही बात कही, संबंध की पहचान और उसकी निरंतरता बनाए रखने में निष्ठा, फिर जिम्मेदारी में भी वही है, पहचान और उसकी निरंतरता। नहीं नहीं, जिम्मेदारी में है कर्तव्य दायित्व का पहचान। अच्छा, जब लिखा हम, है ना, पहचान और उसकी निरंतरता, तो हम जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होता है, और ईमानदारी में भी वही लिखा है। एक मिनट में फिर से पढ़ता हूँ, कहाँ पे लिखा है ये? इसी में ऊपर, जहाँ ईमानदारी और जिम्मेदारी लिखा है। अभी जस्ट जहाँ पढ़ रहे थे, हम मानव समझदारी पूर्वक ही समाधानित होते हैं और वर्तमान में विश्वास, अर्थात संबंध की पहचान और उसकी निरंतरता बनाए रखने में निष्ठा, ईमानदारी होने का प्रमाण है। ये तो ईमानदारी पहचान है, ईमानदारी है ना, पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है। हाँ, तो ये पहचान और उसकी निरंतरता यानी जो ईमानदारी है वो स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है। अच्छा, मतलब ऐसा जब दायित्व पर काम करते हैं तो हाँ, मतलब यदि हमने संबंध पहचान लिया और संबंध का निर्वाह नहीं कर रहे हैं यानी कर्तव्य दायित्व का निर्वाह, तो फिर जिम्मेदारी, तो ईमानदारी भी नहीं हुई ना, ईमानदारी भी नहीं हुई। ठीक है, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि परिवार में क्या चर्चा होना चाहिए, जैसे बाबा ने व्यवस्था की मूल इकाई परिवार को बोला है ना, तो यहाँ पर उसका संकेत दिया उन्होंने, इसके लिए परिवार में चर्चा, यानी ये जो ऊपर कार्यक्रम बताया ना, संबंध से लेके जिम्मेदारी तक, तो इसके लिए परिवार में चर्चा, फिर परिवार में कार्य व्यवहार के लिए चर्चा, परिवार क्या करेगा है ना, कैसा व्यवहार करेगा उस पर चर्चा, संवाद, और परिवार के लक्ष्य के लिए संवाद, मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा है। और वो कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिष्ठा चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार से अनुप्राणित होना रहना स्वाभाविक है। हर परिवार को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, तो शिक्षा संस्कार व्यवस्था से मिलेगी है ना, ताकि वो मानव परंपरा में परिवार लक्ष्य के लिए संवाद, मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा है, और ऐसी प्रतिष्ठा चेतना विकास मूल्य शिक्षा से अनुप्राणित होना स्वाभाविक है। फिर शिक्षा में क्या है, तो शिक्षा में सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का स्पष्ट होना परमावश्यक है। सह अस्तित्व नित्य प्रगटन व समाधान का स्रोत है, क्योंकि सह अस्तित्व सह सूत्र व्याख्या के आधार पर ही समाधानित हो पाते हैं। समाधानित हो पाते हैं यानी क्या, क्यों और कितना का उत्तर मिल पाता है ना, क्यों कैसे और कितना का उत्तर मिल पाता है, उसको समाधानित कह रहे हैं, जो भौतिकवाद आदर्शवाद में मिलता नहीं है। जीवन ज्ञान स्वयं सार्थक अर्थात समाधान पूर्ण प्रवृत्तियों का धारक वाहक होता है। जीवन ज्ञान स्वयं सार्थक अर्थात समाधान पूर्ण प्रवृत्तियों का धारक वाहक होता है और स्वीकृत होता है। इस आधार, इन दो ध्रुवों के आधार पर मानवीयतापूर्ण आचरण, तो पहला है सह अस्तित्व और दूसरा है जीवन ज्ञान, और उसके आधार पे मानवीयतापूर्ण आचरण कार्य व्यवहार पूर्वक व्यवस्था और समग्र व्यवस्था का प्रमाणित, समग्र व्यवस्था को प्रमाणित करता है। तो ये पहले ये बताया कि परिवार की क्या आवश्यकता है, फिर परिवार में संवाद क्या है, उसकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। इसके बाद वो बोला ऐसी प्रतिष्ठा जो है वो शिक्षा संस्कार चेतना विकास मूल्य शिक्षा से आती है। फिर उन्होंने कहा शिक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा सह अस्तित्व ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का स्पष्ट होना।
इससे क्या होगा, तो इससे समाधान होगा। समाधान होने से क्या होगा, तो सहस्तित्व सूत्र व्याख्या के आधार पर समाधानित हो पाते हैं। जीवन ज्ञान के आधार पर सार्थकता समाधान प्रवृत्तियों के धारक वाहक होते हैं। धारक वाहक होता है और स्वीकृत होता है, और इन दो ध्रुवों के आधार पर मानवीयतापूर्ण आचरण कार्य व्यवहार पूर्वक व्यवस्था समग्र व्यवस्था में प्रमाणित करता है। इस विधि से उक्त तीनों मुद्दों का प्रयोजन स्वीकृत होता है। इन तीनों मुद्दों पर जितना भी संवाद हो सकता है वह सब सार्थक संवाद है ना। फिर लिख रहे हैं कि सार्थकता मानव परंपरा में परिवार सभा व्यवस्था से विश्व परिवार सभा व्यवस्था के रूप में समग्र व्यवस्था को प्रमाणित करना होता है। तो जो अभी हम लोगों ने परिवार सभा की बात देखी, वहां से लेके ये विश्व परिवार व्यवस्था के रूप में समग्र व्यवस्था को प्रमाणित करना होता है। ये सब संवाद का अथवा सार्थक संवाद का आधार है। सार्थकता का स्वरूप दूसरी विधि से समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व ही है, और तीसरी विधि से समझदारी ईमानदारी भागीदारी ही है। इन तीनों विधाओं का अंग अवयव और विश्लेषण संवाद की वस्तु है। तो पहली विधि क्या हुई, तो पहली विधि है परिवार सभा व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था के रूप में समग्र व्यवस्था को प्रमाणित करना। ये सब संवाद अथवा सार्थक संवाद का आधार है। सार्थकता का स्वरूप दूसरी विधि से समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व है, और तीसरी विधि से समझदारी ईमानदारी भागीदारी है, जिसको अभी हम लोगों ने अभी समझा है ना। इन तीनों विधाओं का अंग अवयव और विश्लेषण संवाद की वस्तु है। हाँ जी, इसके पहले लिखा है ना, तीन मुद्दों पर जितना संवाद हो पाता है, तो तीन मुद्दे मतलब अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अच्छा, और दो ध्रुव मतलब? दो ध्रुव का मतलब अस्तित्व ज्ञान और जीवन ज्ञान। अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान, ये दो ध्रुवों से मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है ना। और जब यहाँ लिख रहे हैं इन तीनों विधाओं का अंग अवयव विश्लेषण, यानी समझदारी ईमानदारी भागीदारी एक, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व दो, और परिवार से लेके परिवार सभा से लेके विश्व परिवार सभा व्यवस्था तक है ना, इन तीन विधाओं, तो इन तीनों विधाओं का अंग अवयव और विश्लेषण संवाद की वस्तु है। वस्तु अपने में वास्तविकता का प्रमाण है, व्यवस्था अपने में वस्तु है, समझदारी अपने में वस्तु है, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व ये नित्य वस्तु हैं। हर मानव निश्चितता निरंतरता अक्षुण्णता को स्वीकारता है, यह संवाद का मुद्दा है। हर निश्चितता क्यों कैसे कितना की कसौटी पर निर्धारित होती है। आधुनिक युग में बेहतरीन जिंदगी का नारा है, जो सुविधा संग्रह पर आधारित है। संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु नहीं है, तृप्ति बिंदु नहीं है, यानी उसमें निश्चितता निरंतरता और अक्षुण्णता नहीं। प्राचीन अर्वाचीन स्वीकृतियां भक्ति विरक्ति को बेहतरीन जिंदगी मानी, भक्ति विरक्ति को बेहतरीन जिंदगी मानी गई थी। तो जो प्राचीन स्वीकृतियां हैं उसमें भक्ति विरक्ति को अच्छी जिंदगी माना गया था। इन दोनों नजरियों का व्यक्तिवाद में व रहस्य में अंत होना सिद्ध किया जा चुका है। कौन सी दोनों बातें, सुविधा संग्रह और भक्ति विरक्ति। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये दोनों नजरिए, यानी सुविधा संग्रह भक्ति विरक्ति, व्यक्तिवाद में और रहस्य में इनका अंत होना सिद्ध हुआ, सिद्ध किया जा चुका है। फिर आगे लिख रहे हैं कि व्यक्तिवाद ना तो परिवार व्यवस्था का आधार है, ना ही समुदाय व्यवस्था का आधार है। क्योंकि यदि समुदाय व्यवस्था में भी व्यक्तिवाद आता है तो समुदाय टूट जाता है। तो जितने भी समुदाय टूटते हैं वो किसी एक व्यक्तिवादिता के आधार पर टूटते हैं। और दूसरी बात है कि यदि किसी परिवार में व्यक्तिवाद आ जाता है किसी व्यक्ति में, तो वो परिवार टूट जाता है। तो इसलिए व्यक्तिवाद ना तो परिवार व्यवस्था का आधार है और ना ही समुदाय व्यवस्था का आधार है। और कह रहे हैं समाज व्यवस्था तो कोसों दूर है, तो समाज व्यवस्था की तो बात ही नहीं कर सकते, पर व्यक्तिवाद के आधार है ना। और ऐसा ही रहस्य भी है,
तो रहस्य में कोई संबंध होता नहीं है। यदि संबंध में रहस्य है तो परिवार नहीं बन सकता, यदि समुदाय में परस्पर रहस्य है तो समुदाय टूट जाएगा। तो समाज व्यवस्था जो है रहस्य के आधार पर नहीं आ सकती। जबकि मानव समझदारी, मानवाकांक्षा, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक वैभवित होता हुआ स्थिति में अखंड समाज में प्रमाणित होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद और ये जो रहस्य में इसका अंत होता है, और व्यक्तिवाद में जो है तो व्यक्तिवाद की जगह मानव समझदारी, मानवाकांक्षा मतलब समाधान समृद्धि वैसे अस्तित्व, सार्वभौम व्यवस्था का मतलब परिवार से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक वैभवित होता हुआ स्थिति में अखंड समाज में प्रमाणित हो जाता है। मानव परंपरा में अखंड समाज एक मुद्दा है ही, अखंडता ही अक्षुण्णता सहज सूत्र है, मानवीयतापूर्ण आचरण व्याख्या है। ये वाला स्पष्ट हुआ पैराग्राफ, फिर आगे बढ़े कि इसमें कुछ चर्चा करना। जी भैया ठीक है, ठीक है, तो फिर अगले में जाते हैं ना। मैं जा रहा था ना, अभी भी रहती ना, इसको ना तीसरी गिटी में जिम्मेदारी नहीं लिखा है, ऐसा क्यों? कहाँ पे? इसी में, इस पैराग्राफ में ज्यादातर ऐसा देखा गया ना, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, चारों चीज रहती साथ में। हाँ, इस पैराग्राफ इसमें जो तीसरी विधि लिखा है ना, उसमें समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी इसमें नहीं लिखा है। मैं ऐसे सोची ऐसा क्यों? अच्छा, आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे ही सोच रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि जो ईमान साथ रहता, क्योंकि जो ईमानदारी है ना उसमें जिम्मेदारी शामिल है, इसलिए नहीं उपयोग किया उन्होंने। ठीक है भैया, निरंतरता और अक्षुण्णता में क्या भेद है? ये जो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कोई और बताइए, किसी को इसका उत्तर पता हो। मुझे लगता है कि अक्षुण्णता निरंतरता ही लिखा है परिभाषा संहिता में भी, दोनों का अर्थ एक ही लिखा है क्या? संहिता में भी लिखा है अक्षुण्णता भी निरंतरता के अर्थ में ही है। अच्छा, मेरे अंदर जो आ रहा था वो ये था कि अक्षुण्णता स्थिति है, निरंतरता उसकी गति है, ऐसा आ रहा था। इसीलिए अखंडता जो लिखा है ना, अखंडता ही अक्षुण्णता सहज सूत्र, ऐसा लिखा है जी। तो जब हम निरंतरता शब्द का उपयोग करते हैं तो गति के अर्थ में करते हैं, जैसे क्रिया की निरंतरता ही क्रिया की स्थिति है, यानी क्रिया का निरंतर बना रहना भी स्थिति है ना जी। तो जब हम स्थिति बोलते हैं वो अक्षुण्णता है, और जब हम उसको निरंतरता के अर्थ में देखते हैं तो वो क्रिया है यानी गति है ना। जैसे हर परमाणु में क्रिया की निरंतरता बनी रहती है, तो क्रिया की निरंतरता बने रहने के कारण उसका जो रूप गुण स्वभाव धर्म है वो अक्षुण्ण बना रहता है, जिसको अपन आचरण कहते हैं, आचरण की अक्षुण्णता होती है। और उसमें भी मूल रूप से स्वभाव धर्म की अक्षुण्णता रहती है, रूप और गुण तो परिवर्तनशील रहता है, इसीलिए आचरण परिवर्तन जो है वो उसका आधार स्वभाव धर्म होता है। अक्षुण्णता का मतलब है वैसा का वैसा बना हुआ है, इसको भी अक्षुण्णता, कोई कमी नहीं आना, यही अक्षुण्णता है। कमी स्थिति में तो कमी होती नहीं है ना, स्थिति में क्या कमी, स्थिति कम और ज्यादा से मुक्त है।
जैसे हर अवस्था का जो स्वभाव धर्म है ना, वो निश्चित है, वही उसकी अक्षुण्णता है। ठीक है, फिर व्यवस्था सार्वभौम होने के आधार पर अखंड समाज, अखंड समाज के आधार पर सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना पाया जाता है। अभी तक जितने भी समुदाय समाज के नाम से प्रस्तुत हुआ है, उन सब में अंतर विरोध बना ही है। परस्पर समुदायों में विरोध, विद्रोह, सामरिक कल्पनाएं बनी हुई हैं। यह सार्वभौम व्यवस्था व अखंडता का विरोधी है, जबकि हर समुदाय अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को अवश्य स्वीकारा रहता है। ऐसी स्वीकृतियों के साथ जीता हुआ मानव अपने में से बनाई हुई मान्यताओं के प्रयोजन को पहचानना चाहता ही है। साथ ही सर्वाधिक विरोधी तत्व धर्म और राज्य कहलाने वाली परंपराएं ही है। हर मानव अपने में जागृति की ओर गतिशील होने के लिए सार्वभौमता, अखंडता सूत्र बनी हुई है, जबकि धर्म और राज्य समुदाय गतिविधि से अखंडता का नारा बताया करते हैं। ऐसा कोई समुदाय धर्म नहीं है जो अपने में सर्वश्रेष्ठ, अपने को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताता और अपने कार्यक्रमों को सार्वभौम नहीं बताता है अथवा उसकी जरूरत नहीं बताता है। ऐसा ये स्पष्ट हुआ? एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। व्यवस्था सार्वभौम होने के आधार पर अखंड समाज, अखंड समाज के आधार पर सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना पाया जाता। फिर वो कह रहे हैं आजकल जितने भी जो वर्तमान में जितने भी समुदाय समाज के नाम से प्रस्तुत हुए हैं, उन सभी में अंतर विरोध है, चाहे वो धर्म समाज हो, जाति समाज हो, मत संप्रदाय, पंथ, भाषा या राज्य के रूप में हो, उन सब में अंतर विरोध बना ही रहता है। और साथ ही साथ परस्पर समुदायों में भी विरोध, विद्रोह और सामरिक कल्पनाएं बनी ही हुई हैं, है ना? जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में, मुसलमान ईसाइयों के बीच में, आदि आदि। यह सार्वभौम व्यवस्था और अखंडता का विरोध है। जबकि वो कह रहे हैं कि जबकि हर समुदाय अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को अवश्य स्वीकारा रहता है। ऐसी स्वीकृतियों के साथ जीता हुआ मानव अपने में बनाई हुई मान्यताओं के प्रयोजन को पहचानना चाहता ही है, चाहे भले वो कितना भी समुदाय चेतना में हो, लेकिन वो अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को पहचानना ही चाहता है। फिर कह रहे हैं कि साथ में सर्वाधिक विरोधी तत्व है, तो सर्वाधिक विरोधी तत्व किस कौन है? तो धर्म और राज्य कहलाने वाली परंपराएं हैं। हर मानव अपने में जागृति की ओर गतिशील होने के लिए सार्वभौम अखंडता सूत्र बनी हुई है। बाबा जी कह रहे हैं कि ये क्योंकि अस्तित्व सहज है, इसलिए सार्वभौमता, अखंडता का सूत्र बना ही रहता है। जबकि धर्म और राज्य समुदाय गतिविधि से अखंडता का नारा बताया करते हैं। वो कह रहे हैं कि हर धर्म और राज्य जो है वो अखंडता का नारा लगाते हैं। ऐसा कोई समुदाय वो धर्म नहीं है जो अपने को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताता है और अपने कार्यक्रमों को सार्वभौम नहीं बताता है अथवा उसकी जरूरत नहीं है। फिर है हर राज्य राष्ट्रीय पर्व दिवस पावन बेला में राज्य की अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता का नारा अथवा जिक्र करता ही है या करते ही हैं। तो जैसे हम लोग 26 जनवरी के दिन करते हैं ना, जबकि सन 2000 के पहले दशक तक कोई ऐसा राज्य अथवा धर्म नहीं हुआ जिसका अन्य धर्म के साथ विरोध ना हो अथवा जो सबके लिए स्वीकार हो, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ तैयार हो नहीं पाया। सभी अपने ढंग से श्रेष्ठता का दावा करते ही हैं। हर श्रेष्ठता की कसौटी है जो सर्वमानव स्वीकृत हो, जिसके फलन से समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में प्रमाणित हो, स्वीकृत हो,
और व्यवस्था के रूप में मानवीय शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादनकारी विनिमय कोष यानी लाभ हानि मुक्ति और स्वास्थ्य संयम कार्य के रूप में प्रमाणों का वर्चस्व वर्तमान हो। इस प्रकार अखंड समाज सार्वभौमता का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। इन प्रयोजनों के साथ ही इनकी निरंतरता का वैभव होना पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि हर राष्ट्र जो है, अभी जो भी राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो उसमें ये घोषणा करते हैं अपने राज्य की अखंडता की, सार्वभौमता की, अक्षुण्णता की। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि आज तक कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ है ना, जिसका दूसरे धर्म से विरोध ना हो, और ना ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है, ना ऐसा कोई धर्म है, ना ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि सभी अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं, हर श्रेष्ठता की कसौटी है जो सर्व मानव स्वीकृत हो। तो बाबा जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठता की कसौटी क्या है, सर्व मानव को स्वीकृत हो, तो ऐसा कोई समाधान उपलब्ध ही नहीं होता है। तो जिसके फलन में, यानी श्रेष्ठता क्या है जो सर्व मानव को स्वीकृत हो, इसके फलन में ही समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्वित्व के रूप में प्रमाणित हो, स्वीकृत हो, और व्यवस्था के रूप में मानवीय शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य विनिमय कोष, लाभ हानि मुक्ति है ना, विनिमय कोष यानि, और स्वास्थ्य संयम कार्य रूप में प्रमाणों का वर्चस्व वर्तमान हो। इस प्रकार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। इन प्रयोजनों के साथ ही इसकी निरंतरता का वैभव होना पाया जाता है। अखंड समाज में मूल्यों के आधार पर चरित्र और नैतिकता को प्रमाणित करना पाया जाता है। तो अखंड समाज कब होता है, जब परिवार से आगे, जो जब एक सूत्रित होते हैं परिवार, जब आगे के परिवारों के साथ एक सूत्रित होते हैं, उसी को अखंड समाज कह रहे हैं। तो अखंड समाज में मूल्यों के आधार पर चरित्र और नैतिकता को प्रमाणित करना पाया जाता है। चरित्र का मतलब तो पता ही है, नैतिकता का भी मतलब पता है ना। सार्थक संवाद के लिए ज्वलंत तो मुद्दा है। हर मानव सार्थक संवाद ही करना चाहता है। सार्थकता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में और उसका फल परिणाम समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में स्पष्ट हो जाता है। सार्थक संवाद का प्रयोजन यही है। तो कह रहे हैं कि अखंड समाज में मूल्यों के आधार पर चरित्र और नैतिकता को प्रमाणित करना पाया जाता है। सार्थक संवाद के लिए ज्वलंत मुद्दा है। हर मानव सार्थक संवाद करना ही चाहता है। सार्थकता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में और उसका फल परिणाम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में स्पष्ट हो जाता है। सार्थक संवाद का यही प्रयोजन है। फिर अगले पैरा में है, सार्थकता अपने में एक मुद्दा है। सार्थकता अपने में एक मुद्दा है। मानव परंपरागत विधि से ही किसी न किसी भाषा में संवाद करता है, अर्थात संवाद में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। हर भाषा अपने में संवाद योग्य होना हर मानव को स्वीकार है। हर मानव किशोर अवस्था से ही किसी न किसी भाषा का अभ्यासी होता ही है, क्योंकि हर अभिभावक, अड़ोस पड़ोस, बंधुजन संबोधन सहित भाषा प्रयोग करते ही है। तो शिशु काल से ही बोलने का अभ्यास करता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में यह विश्वास सुदृढ़ होता है कि हर मुद्दे पर संवाद करने का तथा इस क्रम में एक दूसरे के साथ अपने अपने भाषा मर्यादाओं के साथ बातचीत करते हुए देखने को मिल ही रहा है। ऐसे वार्तालाप को किसी लक्ष्य या प्रयोजन के सिलसिले में नियंत्रित करने पर संवाद कहलाता है। यदि यदि केवल बातचीत हो रही है तो वो वार्तालाप है, लेकिन यदि वो लक्ष्य और प्रयोजन के सिलसिले में नियंत्रित हो जाए तब वो संवाद है। यदि लक्ष्य और प्रयोजन से जुड़ा ना हो, ऐसे वार्तालाप को गपशप कहते हैं। हर सूचना भी प्रयोजन के अर्थ में स्वीकार होती है, अन्यथा स्वीकार नहीं होती।
इस प्रकार सार्थकता संवाद का आधार होना, गम्य स्थली होना स्पष्ट हो जाता है। फिर अगले पैरा में है, भाषा अपने में बोली के रूप में आता ही है, हर बोली का अर्थ होना पाया जाता है। ऐसे अर्थ अस्तित्व में कोई वस्तु घटना फल परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। इसी के साथ क्रियाकलाप व्यवहार प्रक्रिया भी भाषा के अर्थ के रूप में अस्तित्व में होता ही है। अस्तित्व में होना ही अर्थ व वस्तु है, क्योंकि प्रयोजन परिणाम फल क्रिया प्रक्रिया भी वस्तुगत विद्या ही है। ये सारे अर्थ प्रयोजन के साथ ही सार्थक होना देखा गया है। सार्थकता तो सुस्पष्ट है, समाधान समृद्धि अभय सह स्थिति वांछित उपलब्धि व वस्तु है। इसी के साथ संपूर्ण प्रकार के शिक्षा संस्कार प्रक्रिया, न्याय सुरक्षा प्रक्रिया, उत्पादन कार्य प्रक्रिया, विनिमय कोष प्रक्रिया, स्वास्थ्य संयम क्रियाकलाप के रूप में यहाँ प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है। एक बार फिर से हम लोग जो प्रक्रिया शब्द उपयोग कर रहे थे, यहाँ पे प्रक्रिया को उन्होंने शिक्षा संस्कार प्रक्रिया, न्याय सुरक्षा प्रक्रिया, उत्पादन कार्य प्रक्रिया, विनिमय कोष प्रक्रिया, स्वास्थ्य संयम क्रियाकलाप के रूप में शब्द का अर्थ समझने में आता है, जिससे मानवाकांक्षा अथवा मानव प्रयोजन सहित प्रमाणित होने की अपेक्षा मानव परंपरा में समाहित है ही। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इसको। भाषा अपने में बोली के रूप में आता ही है, हर बोली का अर्थ होना पाया जाता है। ऐसे अर्थ अस्तित्व में वस्तु घटना फल परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। इसी के साथ क्रियाकलाप व्यवहार प्रक्रिया भी भाषा के अर्थ के रूप में अस्तित्व में होता ही है। अस्तित्व में होना ही अर्थ व वस्तु है, क्योंकि प्रयोजन परिणाम फल प्रक्रिया भी वस्तुगत विद्या ही है। ये सारे अर्थ प्रयोजन के साथ ही सार्थक होना देखा गया है। सार्थकता तो सुस्पष्ट है, समाधान समृद्धि अभय सह स्थिति वांछित उपलब्धि व वस्तु है। इसी के साथ संपूर्ण प्रकार के शिक्षा संस्कार प्रक्रिया, न्याय सुरक्षा प्रक्रिया, उत्पादन कार्य प्रक्रिया, विनिमय कोष प्रक्रिया, स्वास्थ्य संयम क्रियाकलाप के रूप में शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिससे मानवाकांक्षा और मानव प्रयोजन प्रमाणित होने की अपेक्षा मानव परंपरा में समाहित है ही। फिर कह रहे हैं कि जीवन अपेक्षा को सुख शांति संतोष आनंद के रूप में पहचाना गया है। सुख को समाधान की स्वीकृति और अनुभव के रूप में पहचाना गया है। समाधान समृद्धि की संयुक्त स्वीकृति और अनुभव शांति का स्रोत है और स्वरूप होना पाया गया है। समाधान समृद्धि अभय यानी वर्तमान में विश्वास के योगफल की अनुभूति और स्वीकृति को संतोष के रूप में पाया जाता है। समाधान समृद्धि अभय सह स्थिति की संयुक्त अनुभूति आनंद के रूप में सुस्पष्ट है। जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा यह परस्पर पूरक होना पाया जाता है। सह अस्तित्ववादी नजरिए से यह बात स्पष्ट होता है। सुखी होने के लिए समाधान अपरिहार्य है। सुख को मानव के धर्म के रूप में पहचाना गया है। मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान ही विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होना पाया गया है। विवेक की सार्थकता लक्ष्य को पहचानने के रूप में, विज्ञान की सार्थकता को जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के लिए दिशा प्रक्रिया को स्पष्ट करने के रूप में और स्पष्ट होने के रूप में साथ ही प्रमाणित होने के रूप में पहचाना गया है। इसे हर व्यक्ति पहचान सकता है, प्रमाणित हो सकता है। इसके लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रस्तुत है। फिर है, सदा से मानव सुखी होने के लिए इच्छुक प्रयत्नशील रहा ही है। यत्न प्रयत्नों में सोचने समझने की आकांक्षा समाहित रहती ही है, साथ ही इनके फल परिणामों को आकलित करते आया है। यह सारी प्रक्रियाएं मानव के सुखधर्मी होने के प्रमाण में गण्य हैं। मानव का सुखधर्मी होना सर्व मानव में द्रष्टव्य है। मानव सुखधर्मी होना मानव परंपरा में से के लिए सौभाग्य है।
क्योंकि सुखी होने के लिए व्यवहार व प्रयोग करना स्वाभाविक है। इसी क्रम में सही गलती होती रही, सही को मानव स्वीकारता आया, सहीपन को संवेदनशीलता में अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में पहचानते आया। यह प्रक्रिया और शोध हर मानव में होता आया। अनुकूलता में सुख भाषित दूसरा सौभाग्य रहा, सुख भासना दूसरा सौभाग्य रहा, क्योंकि सुख भासने के आधार पर ही सुख की निरंतरता की अपेक्षा कल्पना और प्रयोग होना स्वाभाविक रहा, जिसके आधार पर प्रमाणों का लोकव्यापीकरण उदय होता आया। इस प्रकार मानव के अपने सौभाग्य को पहचानने, प्रयोजनशील होने, प्रमाणित होने और प्रमाण परंपरा बनाने की सीढ़ियाँ अपने आप से लगी हैं। यह सब मानव प्रवृत्ति की सहज सीढ़ी है। इस क्रम में मानव अपने प्रयासों को बनाए रखना देखा जा रहा है। इसी क्रम में संवेदनशीलता के अनुकूलता के मुद्दे में पराकाष्ठा यानी व्यवसन में मनमानी पर पहुंचने के उपरांत भी सुख की निरंतरता का रास्ता अभी तक तय नहीं हो पाया। व्यवहारात्मक जनवाद दिशा निर्धारित करने के पक्ष में प्रस्तुत है। सुख अर्थात समाधान का अनुभव होना पहले जिक्र किया है। मानव ही अनुभव योग्य इकाई है। जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होना और संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुए देखा जाता है। मानव भी ऐसा ही करता है। संवेदनाओं से जो सुख भासने का मुद्दा है वह मानव में ही होता है, क्योंकि जीवों में प्रतिकूलता होते हुए भी समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रमाण से, हाँ जी, ये जो सेंटेंस लिखा है भैया कि जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होना और संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुए देखा जाता है, इसका क्या मतलब? संवेदनाओं के विरोध को नकारता हुआ जीवों में, मतलब जैसे आप किसी कुत्ते को लात मारेंगे तो वो काट खाए, स्वीकारता नहीं है, उसको उसको खाना नहीं देंगे तो वो विरोध करेगा। अच्छा, उसकी जो संवेदनाओं का वो ना हो, हाँ, तो उसको विरोध को। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति रहती है। हाँ हाँ, संवेदनाओं की स्वीकृति मतलब अनुकूलता को अगर आप जो है, हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो अनुकूलता है, अनुकूलता है, वो अनुकूलता को अगर आप उसमें विक्षेप करोगे, हस्तक्षेप करोगे तो हाँ, वो करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुत्ते को पालता है तो कुत्ता अपने मालिक की संवेदनाओं को पहचानता है। यदि कोई दूसरा आदमी उसमें हस्तक्षेप करता है तो वो उसका विरोध, उसको काट खाता है ना, या उस पे भोंकता है ना, क्योंकि उसको वो प्रतिकूलता लगती है, क्योंकि उससे उसको संवेदना मिली नहीं है, तो इसलिए विरोध को नकारते हुए देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मतलब संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुए देख सकते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा मुझे तो मैं भैया इसको ऐसे देखता हूँ कि जो है ना जीवावस्था जीव जानवर जो है अपनी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अनुकूलता है उसमें अगर कोई हस्तक्षेप होता है, उसमें अगर कोई जो है विक्षेप होता है तो वो उसको स्वीकारते नहीं है, उसका रिएक्शन करते हैं, इस रूप में मैं इसको देखता हूँ। वही वही है, वही बिल्कुल सही है। ऐसे ही उसमें भी है, ये चार विषयों में भी जो अनुकूलता रहती है, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, इसको वो स्वीकारता है, इसकी अनुकूलता को स्वीकारता है, इसमें यदि कोई अवरोध करता है तो उसको नकारता है। अच्छा, विरोध को नकारता है। संवेदनाओं में यदि कोई विरोध करता है ना, संवेदनाओं में उसको पानी में जो कोई मतलब उसको विरोध करता है उसको नकारता है। हाँ, मतलब सरल भाषा में कहे है ना सुनीता बहन, तो उनकी जो अनुकूलता है ना, पांच इंद्रियों की जो अनुकूलता है, उस अनुकूलता में अगर कोई जो है विक्षेप आता है, अवरोध आता है ना,
तो वो उसका विरोध करता है, मतलब उसको नकारता है, उसका उसका नकारना मतलब जो है उसका एक रिएक्शन प्रतिक्रिया करता है वो। मैं मतलब इसको ऐसे देखूंगा, चारों विषय और पांचों इंद्रियां। हाँ 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 उस, वो चारों विषय भी है, विषय भी है। ठीक बात है, जैसे आप किसी जानवर को खाना खा रहा हो वो और उससे उसका खाना छीनिए, हाँ, कुत्ते को आपने रोटी डाली फिर रोटी हटाइए वहां से, वो जो है आपको विरोध काट खाएगा, काटेगा नहीं तो भौंकेगा, भौंकेगा। तो बेसिकली कहने भी तो दूसरी भाषा में कि जो चार विषय में यदि कोई उसकी बाधा पड़ती है, हाँ, उसको संवेदनाओं की अनुकूलता से वो पहचानता है। हाँ बस बिल्कुल ठीक, जो बाधा पड़ती है चार विषयों में उसका विरोध करता है। हाँ उसी का विरोध। तो इसमें फिर आगे ये कहा गया कि संवेदनाओं से जो सुख भासने का मुद्दा मानव में ही होता है, मानव को सुख भासता है वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता है, क्योंकि जीवों में प्रतिकूलता होते हुए भी समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को नहीं मिलता है, इस आधार पे वो कह रहे हैं ना। इस प्रमाण से पता लगता है कि जीव संसार सभी प्रतिकूलता और अनुकूलता को स्वास्थ्य के अर्थ में ही पहचानता है, इसी आधार पर जीव संसार को जीने की आशा के आधार इसी आधार पर जीव संसार को जीने की आशा के आधार पर और जीवनी क्रम में जीता हुआ पहचाना गया है। मतलब शरीर को बनाए रखने के क्रम के लिए ही उसका सारा प्रयास है, सुख के लिए नहीं, सुख के लिए जैसे, और उसका संबंध स्वास्थ्य से है उसके, वही शरीर बनाए रखना मतलब वो स्वास्थ्य हो गया ना। हाँ जैसे मान लो कोई जानवर सो रहा है और आप उसको उठाइए, हाँ, सोने मत दीजिए, है ना, उस स्थिति में वो चार विषयों के लिए हो गया ना, चार विषय में उसका शरीर रखना हो गया ना। हाँ मतलब वो चार विषयों से ही शरीर को बनाए रखता है, उसी को जीता हुआ मानता है, मतलब शरीर बनाए रखने को ही जीना मानता है ना, जीने की आशा को प्रमाणित करने के अर्थ में। हाँ उसी को तो जीने की आशा कह रहे हैं ना। हाँ बस बस बस, शरीर को बनाए रखना मतलब किसी भी रूप में जिंदा बने रहना। हाँ उसी को वो, क्योंकि वो अपने को शरीर ही मानता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी अर्थ में जो है वो अपनी संवेदना और विषयों को क्रियान्वित करता रहता है। ठीक है, तो इसी आधार पर जीव संसार को जीने की आशा के आधार पर जीवनी क्रम में जीता हुआ पहचाना गया। हर जीवों में जीने की आशा का होना हर मानव को बोध होता ही है, यद्यपि जीवों में जीवन जीने की आशा को ही प्रमाणित कर पाता है या कर पाया है। इसके मूल में यह भी पहचान में आया है कि शरीर को जीवन मानते हुए जीते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य के आधार पर अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचाना करता है। यही जीव संसार का शरीर को जीवन मानने का प्रमाण है। मानव भी या तो जीवों के सदस्य शरीर को जीवन मानते हुए अथवा नहीं मानते हुए जीता है, इसमें पर्याप्त ज्ञान न होना स्पष्ट हो गया है। हर मानव सुखी होना चाहता है, सुखी होने का नित्य स्रोत समाधान है, समाधान ही सुख रूप में अनुभूत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि समाधान ही सुख है, ऐसे समाधान के मूल में समझदारी होना अनिवार्य है। समझदारी का फलन समाधान है, समाधान का फलन सुख है। इस क्रम में हर नर नारी के सुखी होने का स्रोत या स्रोत नित्य वर्तमान है, समीचीन भी है। समीचीनता का तात्पर्य है हमारे प्रवृत्ति के आधार पर समाधान नित्य सुलभ है, क्योंकि समझदारी को प्रमाणित करने का अरमान हर नर नारी में समाहित रहता है। समझदारी के फल के अनुसार समझदारी का प्रमाण हो पाता है। तो अभी यहाँ रुका जाए कि और पढ़ना है एक आध पैराग्राफ? भैया
मुझे लगता है 2-3 पैराग्राफ पहले की बात होगी, जहां हमने ये 5 योजनाओं को प्रणाली के रूप में देखा, यहां पर जो है ना उनको प्रक्रिया के रूप में भी बताया है। तो वो रहता ही है भैया, जैसे अच्छा। शिक्षा प्रणाली भी रहती है, शिक्षा व्यवस्था भी रहती है, और शिक्षा प्रक्रिया भी है, और शिक्षा विधि भी है ना, और शिक्षा पद्धति भी होती है। पद्धति का मतलब है पहली स्कूल से है ना स्नातक तक पद्धति है, पहली दूसरी तीसरी ये सब पद्धति है ना। हाँ जी, तो ये सभी चीजें साथ साथ चलती हैं हर व्यवस्था में, हर उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब प्रणाली का स्पष्ट स्वरूप कि ये प्रणाली है, ये स्पष्ट नहीं होता। जैसे जब अपन सम्मिलित रूप में देखेंगे तब वो व्यवस्था हो जाएगा है ना। हाँ। और जब उसमें अध्ययन कराने वाली जो वस्तु है और अध्ययन कराने की विधि प्रक्रिया है तो वो प्रणाली हो जाएगा है जिसको अपन कह रहे हैं। जब अपन कहेंगे कि यहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन है, इसके बाद जो है मिडिल एजुकेशन हायर, तो ये पद्धति हो गया है ना, ये पद्धति हो गया, इसको पद्धति। और फिर आता है कि एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, नीति क्या होगी। नीति का मतलब है कि विद्यार्थी कौन होगा, शिक्षक कौन होगा, उपाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी है ना, या एवेल्युएशन कैसे होगा, ये सब जो है मिला के इसको नीति कहेंगे है ना। नीति अच्छा, यानी किसी नियम से उसको नियंत्रित करना है ना। ठीक है ना, ये ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं, ठीक लग रहा है भैया। वो इसीलिए मैंने कहा भी था ना कि हम लोग अभी प्रक्रिया को उस तरीके से देख रहे थे, यहाँ पर इसको भी प्रक्रिया बोला है ना। और कोई मुद्दा? अभी लगभग 10 बज गया है, तो हम लोग पेज 81 पे आए, हमने 11 पेज पढ़े हैं ना, टोटल 11 नए पेज पढ़े हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5-6 पेज को रिवाइज भी किया था। अभी 10 पेज और बाकी हैं, यानी 10 × 20 पेज बाकी हैं अभी इस अध्याय के। लेकिन ये अध्याय पूरा होने के बाद हमारी आधी किताब हो जाएगी, 50% हो जाएगी। हाँ जी योगेश भाई, सुनीता बहन को बताइए, संदीप भाई। नहीं ठीक है, 10-10 पेज का यदि आप रख रहे हैं डेली का, तो एक अच्छा आकलन कर सकते हैं कि कितने दिन में किताब हम पढ़ पाएंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ा कहीं ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कहीं थोड़ी स्पीड और भी बढ़ जाती है। हाँ, कई बार 12-13-14 पेज भी हो जाते हैं, और कई बार कुछ कम भी होते हैं, जहाँ ज्यादा डिस्कशन हो जाता है तो कम हो जाता है। जैसे मैंने आज देखा आज की स्पीड ठीक थी, 10 पेज के हिसाब से चलते हैं तो ठीक ही रहेगा, तो उस हिसाब से एक अंदाज कर सकते हैं। हाँ लगभग 10 पेज है, 71 से 81 पे आए 10 पेज में, ठीक है, पर ये कम नहीं है इतना। हाँ नहीं, स्पीड तो ठीक ही है, मूल बात है पचाने से है। हाँ बेसिकली वही है कि यदि कोई भी चीज निकल रही है और ना पचे तो वो, और कनेक्ट भी हो। हाँ कनेक्ट भी हो, तभी संवाद है, सार्थक संवाद है। सार्थकता है, प्रयोजनों के अर्थ में नहीं जुड़ा तो संवाद का क्या मतलब हुआ करने का। जी जी जी, हर बार कोई ना कोई नई चीज, वैसे बहुत सारा पढ़ा हुआ है अपना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक दो नई चीजें मिली जाती है ना। बिल्कुल सही है, और चीजें सूत्रित होती हुई भी दिखती है आपस में,
उनके अंतर संबंध को भी पहचान पाते हैं। और बताइए, फल हमारा मिल गया। हाँ, सामाजिकता में अखंड समाज फल है, तो ये प्रमाणित हुआ कि समझदारी है। ना, समझदारी के फल के अनुसार समझदारी का प्रमाण हो पाता है। ठीक बात। पूर्णिमा दीदी, कुछ बोलना हो तो बताइए। अर्चना बहन जी, भैया बोलना तो कुछ नहीं है इसमें, ये आज क्लियर, मतलब ये चीज और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि ये समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी वाली बात। तो जैसे इसमें और बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो जो हम लोग परिवार में चर्चा करते हैं ना डेली बैठ के, कि भाई व्यवहार कैसा होना चाहिए, काम कार्य कैसे होना चाहिए, और मतलब ताकि परिवार में न्याय प्रमाणित हो और मूल्यों का जो है वो निर्वाहन हो सके। वो इसमें लिखा हुआ भी है और क्रम भी है बढ़िया, समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी पे हम लोगों की पिछले 2 महीने से चर्चा भी चल रही है घर पे, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो सब पढ़ के काफी अच्छा लगा कि हाँ पूरा संबंध की परिभाषा से जोड़ के, मतलब शुरू होके पूरा पैरा जो है वो जीने अच्छा वाले है। हाँ, जीने बहुत वाले अच्छे से बहुत बढ़िया है। समझदारी पूर्वक समाधानित होते हैं, वर्तमान में विश्वास और संबंध की पहचान, उसकी निरंतरता बनाए रखने में निष्ठा, ईमानदारी होने का प्रमाण है। पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है। इस प्रकार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी ही परिवार व्यवस्था में प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना, समृद्धि का साक्ष स्पष्ट होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि इसके लिए परिवार में चर्चा, परिवार के कार्य व्यवहार के लिए चर्चा, संवाद और परिवार लक्ष्य के लिए संवाद मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा है। बहुत बढ़िया है ये, मतलब एक वो भी एक प्रक्रिया भी है, मतलब कि डेली रूटीन में बैठ के जो हम लोग चर्चा करते हैं कि क्यों कहां गड़बड़ हो गई, क्या है, एक दूसरे का जो ध्यान आकर्षण भी कराते हैं, क्यों कराते हैं और ये कहां तक पहुंचेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें और इम्प्रूवमेंट आना है। और आजकल जो सभा विधि वाली बात चल रही है ग्रुप में, उससे भी कनेक्ट हो रही है, इसमें क्या मुद्दा होना चाहिए बात करने का सभा विधि। देखिए, इसमें मेरा विचार ऐसा है जी कि जो बाबा जी ने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात की है, उसमें परिवार मूल इकाई है जी, और परिवार से विश्व परिवार को जोड़ने वाली जो व्यवस्था है वो सभा है जी। सभा विधि से ही परिवार से विश्व परिवार तक जोड़ते हैं। तो यदि परिवारों की सभा में भागीदारी होती है, तो परिवार की सभा में भागीदारी होने से निर्णय में भागीदारी होती है, तो जब निर्णय में भागीदारी होती है तो कार्यक्रम में भागीदारी होती है, कार्यक्रम में भागीदारी होती है तो व्यवस्था में भागीदारी होती है। इस तरीके से व्यक्ति सभा में भागीदारी पूर्वक अखंड समाज से अपने को सूत्रित पाता है जी, और सार्वभौम व्यवस्था से सूत्रित होता है। उसका जो मूल है वो सभा है, और इसीलिए बाबा जी ने परिवार सभा से लेके विश्व परिवार तक सभा विधि को जो है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में बताया। बाबा जी ने संस्था विधि को नहीं बताया, पूरे वांग्मय में कहीं पर भी उन्होंने संस्था विधि से जीने की बात नहीं की। तो जहां जहां भी हम लोगों ने संस्था के प्रयोग किए वो सब असफल हुए। तो हम लोगों के पास जीने का कार्यक्रम क्या है, तो जीने का कार्यक्रम यही है, पहले परिवार को समाधान समृद्धि संपन्न बनाए, समाधान समृद्धि के बाद अपनी समृद्धि को बाकी परिवारों के साथ उनकी समाधान समृद्धि के लिए है ना हम पूरक बने, भाई यही यही कार्यक्रम है। इसी को जीव अपन कह रहे हैं कि व्यवस्था की ओर गति है जी। तो जहां जहां संस्था के प्रयोग है वहां सब जगह समस्या है। जैसे भैया वो
जैसे वो नहीं, पेड़ की हर कोशिका जहाँ पे भी है, वो जड़ में है या पत्ते में है या फल में है, वो जहाँ पर भी है वहीं से अपनी भागीदारी दे रहा है तब पूरा पेड़। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने सही उदाहरण दिया, तो एक परिवार जो है अपने बहुत सारे परिवारों के संबंध में ही रहता है जन्म से ही, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी से, है ना। अब उस परिवार को वहां से उखाड़ के किसी संस्था में लगा दीजिए, उसकी जड़ों को फैलने में 2-3 जनरेशन लग जाएंगी, तब जाके वो जाके उसमें परिवारों में विश्वास बनेगा। जी। बनता ही नहीं है, मतलब मैंने तो बहुत सारे लोगों की असफलताओं को देख लिया, और वांग्मय जो है इसका निर्देश ही नहीं दे रहा है ना, वो तो ये कह रहा है संस्थाएं केवल अध्ययन केंद्र हो सकती हैं, जिनको अपन शिक्षा संस्थाएं बोलेंगे, है ना। जी, तो शिक्षा संस्थान के अर्थ में हम कोई अध्ययन केंद्र बना सकते हैं जहाँ पे हम किताबों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, बस इतना ही है उनका प्रयोजन, केवल इतना ही है। जीने की जगह परिवार और परिवार समूह सभाएं हैं, परिवार है और परिवार समूह, और परिवार समूह कोई हमको जिन परिवारों की परस्परता में हम जीते हैं उन्हीं के बीच में परिवार समूह सभा सफल होती है। जैसे मान लो कोई कहे कि एक परिवार कानपुर रहता है, एक जो है अहमदाबाद रहता है, एक रायपुर रहता है, ऐसे हम लोग मिलके एक परिवार समूह बना लेते हैं, तो उसमें संवाद ही हो सकता है, जीना तो हो नहीं सकता, ना कार्यक्रम एक हो सकता, ना लक्ष्य एक हो सकता है ना, ना व्यवहारी व्यवहार का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो इसलिए परिवार समूह भी वहीं पर प्रमाणित होगा जिन परिवारों की परस्परता में एक परिवार जीता है ना, उन्हीं के बीच में परिवार समूह जो है वो प्रमाणित हो पाएगा। परिवार समूह प्रमाणित होते हैं तब फिर आगे जाके ऐसे 10 परिवार समूह मिलके एक ग्राम को प्रमाणित कर सकते हैं, तो इस अर्थ में जो है ना मूल बात है। तो इसलिए कई बार लोग जो है बहुत प्रचार प्रसार में फंस जाते हैं, और फिर क्या लक्ष्य हो जाता है, फिर कार्यक्रम लक्ष्य हो जाता है, वहाँ व्यवहार छूट ही जाता है। तो मान लीजिए आप आपके संपर्क में 1,000 लोग आ गए, अब 1,000 लोगों में आपके साथ संबंध पूर्वक जीने की आशा जाग गई, अब आपके पास समय ही नहीं है उनके साथ संवाद करने का, बात करने का, व्यवहार निर्वाह करने का, तो फिर धीरे धीरे वो दूरी बनती जाती, और दूरी एक समय के बाद जो है ना फिर दुख में बदल जाती है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भैया शिविर में तो बहुत अच्छी बात करते थे, लेकिन उनके पास तो हमारे परिवार में आने का ही समय नहीं, हमसे बात करने का टाइम नहीं, हमारे दुख सुख से कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ये अपेक्षा ही गलत है, दोनों तरफ से अपेक्षा गलत। तो इसलिए बाबा जी ने, अपन ने बाबा जी को देखा, तो बाबा जी ने किसी भी पारिवारिक जीवन में डिस्टर्ब नहीं किया, उस पर जो भी परिवार उनके संपर्क में आए उनमें जो भी कमी दिखी, समझदारी की कमी दिखी, उनको समझदार बनाया, बच्चों के शिक्षा दीक्षा में कमी रखी तो उनको प्रेरित किया, यदि किसी में आर्थिक रूप से कमजोरी दिखी तो उन्होंने उनको विधियां बताई कि तुम ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर, है ना। तो इसलिए बाबा जी ने हर परिवार को मजबूत किया है ना, इसी विधि से कम 200-300 परिवार बाबा जी के इर्द गिर्द जो है व्यवहार निर्वाह के अर्थ में जी पाए, और उसी जीरे में उन्होंने स्वतंत्रता, स्वराज, समाधान, समृद्धि, अभय सबको प्रमाणित कर लिया है ना अपने जीवन, ऐसा मुझे ऐसे ही दिखता है मुझे। हाँ, उनके एग्जाम्पल में भी जैसे मान लीजिए कोई चीज प्रमाण के रूप में बताना होता है तो वो एग्जाम्पल के रूप में भी बताते हैं कि मैंने जो अपने मैकेनिक से पूछा उसने बता दिया कि दुर्घटना का कोई नियम नहीं होता, देखो इसने इतनी बड़ी बात बता दी। तो जिन लोगों के साथ में वो जीते हैं उन्हीं लोगों के साथ उस चीज को कैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, तो ठीक है अपने ही जीने से वो बताते हैं, अपने परिवार के लोगों के एग्जाम्पल लेके बताते हैं, मित्रों के दिखता है भैया अच्छे से समझ में भी आता है इसमें। तो बाकी सब संस्थाएं अध्ययन केंद्र है, जैसे अछोटी है, छोटी अध्ययन केंद्र है, आप 2-4 महीने अपने जाके अध्ययन कर लीजिए, फिर अपने रहना तो अपने परिवार में ही है जी।
जिनके साथ जिन परिवारों के साथ संबंध है उनकी परस्परता में रहना। तो ऐसा नहीं है कि शिविर करने से आपका व्यवस्था बदल जाएगी, शिविर करने से नहीं, अध्ययन करने से भी नहीं। अब जो अध्ययन कराने वाले परिवार हैं वहां पे, उनके साथ भी आपका जीना तो है नहीं, तो इसलिए उनसे संबंध की अपेक्षा करना कि वो आपके आपके साथ उनका वो सब प्रमाणित नहीं हो सकता है। वो परिवार आपस में मिलके जो लोग अध्ययन करा रहे हैं, अध्ययन कराने की जवाबदारी लिए हुए 4, 5, 6, 10 परिवार हैं, उनके आपस में ही न्याय का प्रमाण होगा। वो जो 10 परिवार आपस में कैसे जीते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर होगा। जिनको अध्ययन करा रहे हैं उनके साथ नहीं होगा। अध्ययन कराने वाले के साथ केवल जो है गुरु शिष्य संबंध प्रमाणित हो सकता है बस, कि जब भी आप कोई जिज्ञासा रखें उसका वो उत्तर दे दें, टेलीफोन पे भी दे सकते जी। है ना, यानी वो एक उस संबंध का निर्वाह कर सकते। बाकी सारे संबंधों का निर्वाह जो है ना वो परिवार और परिवार की परस्परता में जो संबंध होता है उसी में होता जी। इसी को निर्देशित किया है बाबा जी ने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के। ये काफी आपने भी इम्पोर्टेंट बात कही है जी। इसमें अध्ययन कराने वाले की भी जिम्मेदारी ये है कि उस तरह के आश्वासन भी ना दे, नहीं देना चाहिए, वो सारा उसी के चक्कर में सब होता। तो ना कि वो जब शिविर में जो आशा बांध लिया, और वो बिल्कुल सही बात है कि एक व्यक्ति की सीमा तो उसके 24 घंटे ही है ना, जिसमें क्रियाएं भी शामिल है। अब तो वो आपने अभी इंदौर में एक शिविर चल रहा है ना, वो 1 अगस्त से जी, उसका एक विज्ञापन मैंने फेसबुक में देखा, उसमें लिखा है कि आप आज ही सुखी हो सकते हैं, ऐसा लिखा है, आज ही सुखी हो सकते हैं ऐसा। सही बात है, अभी आश्वासन दे दिया। अभी हमको इतना साल हो गया, हम तो अभी तक पूरा सुखी हो नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है, है ना, और आपस में लड़ लिए कितने बार, सूचना से तो सुखी हो नहीं पाएंगे। और हम प्रचारित क्या कर रहे हैं, आज ही सुखी हो सकते। बाबा जी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया आज तक, आज ही सुखी। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि इन किताबों को पढ़ोगे सुखी हो जाओगे, ऐसा कहीं नहीं। पूरी किताबें पढ़ने के बावजूद भी वो नहीं कह रहे सुखी हो जाओगे, जीने में प्रमाणित होगा तब होगे सुखी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, मैं खुद कई बार बात करती थी तो बाबा हमेशा ये बोलते थे, लोग ना बोलने की स्थिति में आ गए, बोल ठीक से रहे, बोलना समझना नहीं होता है, बोलना समझना नहीं होता है, और समझना भी समाधान नहीं होता यदि वो न्याय व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ तो। और व्यवहार में प्रमाणित करने के लिए आपको बहुत सी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। हाँ, बहुत सारी स्थिति में आप कितना कर पाओगे ये आपकी योग्यता भी होती है, और योग्यता का एक एक स्टेप तय करने में बहुत समय लगता है। इसीलिए बाबा जी ने लिखा है कि भाषा रूप में, हाँ। यहाँ पर आया था ना, भाषा रूप में जानते, बिल्कुल सही है, तो भाषा के रूप में जानते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। बोलना भी भैया ठीक नहीं होता है, उसमें नहीं भी बोलना है, तो इसीलिए टूटी ना हो, ना किसी को बहुत ज्यादा प्रलोभित करना चाहिए अपने भाषा से, ना आश्वासन देना चाहिए, जितना उपयोग जितना अपन सहयोगी हो सकते हैं उतना करना चाहिए, बल्कि जितना मतलब हम कर सकते हैं उससे कम बोलना चाहिए। हम भले ज्यादा कर दें, किसी का सहयोगी करना है, हम भले ज्यादा कर दें लेकिन बोलना कम चाहिए, और करने के बाद नहीं बोलना चाहिए कि हमने ये किया वो किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो परिवार जो सभा विधि का डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें काफी चीजों पे ध्यान दिलाने की कोशिश की, सब है तो बाबा जी के दर्शन से लिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें उसमें बहुत पकड़ में आ गई हैं, और सब इधर उधर सबसे जहाँ जहाँ से सुना उना जो भी अनुभव रहा उस सबको एवेल्युएट करके वो लिखा है, उसमें दोनों बातें लिखी हैं, क्या गलतियाँ करते हैं वो भी लिखा है, क्या हमको सही करना वो भी लिखा है, ताकि समझ में आ सके। अच्छा है वो डॉक्यूमेंट, आप पढ़िएगा, आपने पता नहीं पढ़ा क्या,
जी बिल्कुल, नहीं लिखा आपने बहुत अच्छा है, पर मैं उस पर थोड़ा सा और विचार कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रही हूँ। आराम से करिए, क्या जल्दी है, ये सब कोई दो चार दिन के काम नहीं है, तो सालों के काम है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति परिमार्जन जो है ना, वो बहुत आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, है ना। अपने अंदर ही कितने ब्लॉक्स होते हैं, अपने ही अपनी खुद की ही उन ब्लॉकों के साथ जीते हुए बरसों निकल जाते हैं, उनसे पहचानी नहीं होती। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से बिल्कुल अनजान बना रहते हैं। जी जी, कितनी पैरेलल दुनिया चलती रहती है जी। उनमें चलती रहती है, हर परिवार में कितनी पैरेलल दुनिया चलती रहती है, और एक दूसरे से बिल्कुल अनजाने रहते हैं, परिवार ही नहीं बन पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, व्यक्तिवाद है परिवारों में, व्यक्तिवाद है सर। ये मैं कह रही, ये तो अभी की स्थिति है, पर हम जब इसमें प्रयास भी करना शुरू करते हैं तो एक 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 जो पैरेलल दुनिया है, दूसरी पैरेलल दुनिया से पहचान हो जाए, अपने ही अंदर के इतने ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक को एक दूसरे से मिलना हो जाए, उसमें कितना समय लगता है। बहुत समय लगता है। बाबा जी ने कहा, अभी कहीं हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें कहा कि मैंने अपने को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पहचाना, ऐसा लिखा उन्होंने। अनुभव संपन्न व्यक्ति ये कह रहा है, हमने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने को पहचान पाया, क्योंकि जब हम विराटता में अपने होने को पहचानते हैं तो हम सामान्य हो जाते हैं। और हम तो ये देख रहे हैं कि जीवन विद्या का अध्ययन शिविर अध्ययन करने के बाद सामान्य होने की जगह सब विशेष बन जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो सामान्य होने का सहअस्तित्व विधि, सामान्य होने की जो विधि है, आदर्शवाद भौतिकवाद जो है विशेष होने की विधि। तो यदि ये बेसिक ही बात हमको समझ में नहीं आई है, ठीक बात है, बाबा जी ने अनुभव दर्शन में लिखा कि हमको अनुभव के बाद हमने स्वयं को एक विकासांश के रूप में पाया, अस्तित्व के किसी एक विकासांश के रूप में अपने होने को पाया। आप सोचिए इतना विराट अस्तित्व है, उसमें एक एक सूक्ष्म विकासांश के रूप में अपने होने को पहचान, बहुत बड़ी चीज है कि इस विराट। तो भैया कितना, बाबा जी ने कितना विराट विराट का कैसा कितना दर्शन किया होगा, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते भैया कि विराट कितना है। बिल्कुल, बहुत है। मैंने एक कविता लिखी है विराट पे, अच्छा। आपको आप, कविता सुना देता हूँ, और उसके बाद फेसबुक पे आज मैंने पढ़ी थी आपने, कुछ लोगों ने भी पढ़ी, उनको सुना देते हैं। जी भैया सुनाइए सुनाइए भैया। वो है, विराट में ब्रह्म की पहचान, ब्रह्म में ही विराट का ज्ञान, सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, जिसमें स्पष्ट है सभ्यता और संस्कृति, सत्ता की अविभाज्यता में स्वयं को तू विराट जान। बाबा ने कहा हर इकाई जो है वो सूक्ष्म विराट है, है ना, हर इकाई अपने में एक सूक्ष्म विराट है, ऐसा शब्द अनुभव दर्शन में आया है ना। तो सत्ता की अविभाज्यता में स्वयं को तू विराट जान, अखंड समाज मानव की विराट पहचान, अखंड समाज मानव की विराट पहचान, व्यक्ति समुदाय नहीं विराट की पहचान, व्यवस्था में अखंड समाज भागीदारी ही विराट की पहचान, निजता संकीर्णता और व्यक्तिवाद नहीं तेरी पहचान या मानव की पहचान, अखंड समाज सामाजिकता ही मानव का पहचान, अहंकार में क्यों करते हो स्वयं को संकुचित, व्यापकता में सहजता से जीना ही उचित, सह अस्तित्व में अपनी विराट पहचान तू जान, सह अस्तित्व में जीकर ज्ञान विवेक विज्ञान को पहचान, हे मानव जीव चेतना पे क्यों करता गुमान, मानव चेतना में है विराट स्वाभिमान, रूप पद बल धन नहीं है स्वत्व की पहचान, मूल चरित्र नैतिकता में स्वत्व को तू जान, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था मानव की पहचान, अखंडता सार्वभौमता सामरस्यता में होता यह ज्ञान,
ब्रह्म में विराट के सह अस्तित्व को पहचानिए, सह अस्तित्व में जीकर विराट पहचान पाइए। अच्छा है, काफी राइमी मिलाई है आपने और काफी सारे मुद्दों को समाहित कर दिया है। हाँ, वाह 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 वाह। ठीक है, आज बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास इस कविता। अच्छा। और सुनीता से प्रेरणा लेके कविता लिखी है। बहुत बढ़िया भाई। हम कहने वाले थे भैया ये चीज ठीक नहीं है, आप दीदी लिख रही थी, आपने तो उसमें भी सेंध मार दी। और अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 20-25 कविताएं हमारी और 20-25 सुनीता के मिलके एक हमारे परिवार का एक काव्य संकलन है ना। और बच्चों से भी कहेंगे एक एक दो दो कविताएं लिख डालें तो हमारे परिवार का एक काव्य संकलन आ जाएगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया बात है भैया। और मैं भी कई बार सोचती रही कि कभी किसी के साथ ना, अब वो एक आप किसी चीज को पहचान लेते हैं ना और उसका जो भी आपको थोड़ा बहुत भी चुक्का भास भास होता है तो आपका मन भी कवि मन हो जाता है। सही है। मैं यही सोचती रही कई बार कि एक बार पूछूंगी आपसे बैठ के, नहीं तो कि कविता बनाने के सिद्धांत क्या है उसमें। छंद वो एक है ना, राइमी मिलाना, शब्दों का एक मात्रा होना, वो सारी चीजें मैं सोच रही थी किस दिन बैठ के समझूंगी आपसे। देखिए वो तो थोड़ी सी कठिन कविता थी। हाँ हाँ, एक सरल कविता सुनाते हैं जी, थोड़ा सा रिलेशनशिप से संबंधित है। माँ में ममता, पिता में वात्सल्य, प्रेम में पहचान, भाई बहन सब रहते इसने प्रेम समान, पति पत्नी में विश्वास सम्मान प्रेम प्रावधान, मित्रों में होता विश्वास इसने प्रेम विधान, गुरु शिष्य में श्रद्धा प्रेम अनन्यता महान, साथी सहयोगी में विश्वास इसने प्रेम प्रधान, व्यवस्था संबंध ही प्रेम मयता का प्रमाण, मूल्यों में जीना संबंधों में सुख शांति संतोष आनंद प्रमाण, मूल्यहीनता में व्यक्ति का जीना दुख पीड़ा अज्ञान और थकान, न्यायपूर्ण संबंधों में नित्य समाधान प्रमाण, सह अस्तित्व नित्य संबंध पहचान, अखंड समाज ही सह अस्तित्व प्रमाण। बहुत सुंदर, आपने बहुत पूरी राइमी मिला दी इसमें, तो एक भी शब्द नहीं छोड़ा आपने, सारे जोड़ दिए। सारे संबंध और मूल्यों को सबको लिख दिया। नहीं नहीं, आपने जो राइमी मिलाई, राइमी में बोले शब्द जो यूज किए। हाँ हाँ, कई बार कोशिश कर रही थी राइमी मिलाने की तो मैं कहती कौन से शब्द मिलाऊं राइमी में, लेकिन आपने सारे ढूंढ लिए जितने भी चाहिए थे। तो अभी बस शुरू किया है, बस कुछ दिनों में हो जाएंगे। बस भैया आप चार्ट रख देंगे एक किनारे और कविताओं से ध्यान देंगे। बहुत सालों के चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। पहले लोग यही पूछते थे चार्ट कैसे बना लेते हो आप। हाँ। नहीं होता है, वही होता है जब आप एक लेवल को देखते देखते उसमें रमते जाते हो ना तो ये अंदर से निकल आता है ना बहुत ही। अपने आप आता है सर, अपने आप आ जाता है, खुद से वो योग्यता विकसित होने लगती है ना। अच्छा, मेरे में विश्वास की कमी थी कि मैं लिख पाऊंगा। हाँ। पर मैंने देखा सुनीता ने धड़ाधड़ 15-20 कविताएं लिख दी। हाँ। तो मेरे अंदर फिर विश्वास जाग गया यार हम भी लिख सकते हैं। प्रेरणा हो जाती है। कृतज्ञता व्यक्त की आपने दीदी को। हम अपनी अपना काव्य संकलन में जो हम अपना प्रीफेस लिखेंगे उसमें कृतज्ञता व्यक्त कर देंगे। नहीं नहीं अभी भी व्यक्त हो गई, वो सामने बैठी है ना, अभी भी व्यक्त हो गई। हाँ बैठी तो यही है, देखिए वही तो कह रहे दीदी दीदी भैया कृतज्ञता सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं, स्वीकारिए। ठीक है, हरिहर है ना, हरिहर 10:30 बज गया, फिर कल मिलते हैं ना। ठीक है भैया, आपने कविताएं सुनाई थी। एक बात भैया। हाँ जी। सब भाइयों को कल का रक्षाबंधन शुभकामना। ठीक है दीदी, सब भाइयों की तरफ से आपको प्रणाम। आपने रक्षाबंधन की हम लोगों को शुभकामनाएं दी,
सभी भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी प्रणाम हरिहर भैया। हरिहर।